Happy birthday to you. Shukriya. Happy birthday to you. Thank you. Sushil, happy birthday to Mr. Suren. Shukriya. The same to Mr. Mahen. वाह राजा साहब वाह, दोनों बेटों के साल का एक ही दिन मनाते हैं। मुझे तो लगता है कि दो डोलियां भी एक ही दिन इस घर में एक दूसरे आएंगे। दीवान जी, जरा मेहमानों की खातिर कीजिए आप। आइए डॉक्टर, आइए। हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया। हैप्पी बर्थडे। सुरेन। हाँ माँ। ओ महन। माँ, आपके एक अशरफी और बढ़ गई। तुम्हारी उम्र भी तो एक साल और बढ़ गई है। माँ, इन अशरफियों का क्या मतलब है? जिस दिन तुम दोनों चांद जैसी दुल्हन इस घर में लाओगे ना, उस दिन ये हार उनके गले में डाले जाएगा। अच्छा, तब तो मैं 100 साल की उम्र में शादी करूंगा माँ। ऐसे क्यों? माँ, इसका मतलब ये है कि जितनी ज्यादा उम्र बढ़ेगी उतनी ज्यादा अशरफियाँ मिलेंगी और उतना ही फायदा होगा। क्यों महेंद्र? हाँ। सिर्फ अशरफियों के लिए तुम्हें 100 साल कुंवारा रहने की जरूरत है, वो तो तुम्हें वैसे भी मिल जाएंगे। थैंक यू यार, आज जिंदगी में पहली बार तुम्हारी बदौलत किसी रईस के घर में कदम रखा है। अरे ठीक है ना यार, चलो। ये नोटिस क्या है? घर के कायदे, सवेरे 6 बजे जागना, 7 बजे नहा धो के फारग होना, 8 बजे नाश्ता करना, 9 बजे कॉलेज या दफ्तर जाना। अरे बाप रे, और 9 बजे रोशनी बंद। बस मालूम होता है ये राजा साहब पहले किसी जेल में जेलर या दरोगा। ये बात नहीं रतन, राजा साहब राजा ही थे और अब भी हैं, लेकिन वो वक्त के बड़े पाबंद हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी की इसमें लिखा है पार्टी 5 बजे से 6 बजे। अब देखिए 6 बजे क्या होता है। दीवान जी। जी हाँ जी। सज्जनों और देवियों, राजा साहब आप लोगों से कुछ अर्ज करना चाहते हैं। आप सब लोगों ने यहाँ आकर हमारा मान बढ़ाया, हमारी खुशी में शरीक हुए, हमारे बेटों के सर पर हाथ रखा, उन्हें आशीर्वाद दिया, हम आपसे शुक्रिया अदा करते हैं। अब हमें इजाजत दीजिए। नमस्ते। नमस्ते। क्या मतलब है इसका? मतलब ये कि पार्टी खत्म। देखा नहीं राजा साहब चले गए हैं, अब मेज पर से प्लेटें भी उठने लगेंगे। अजीब खत्ती आदमी। अगर ये किसी मुल्क का बादशाह या प्रधानमंत्री होता तो लोग अब तक तो पागल हो गए होते। पीटा, है पीटा। महेंद्र कहाँ है? उनके दोस्तों ने पार्टी दी है क्लब में, वहीं गए हैं। क्लब में? हाँ। और रात के 9 बजे?
मन बन गई जिंदगी है। शर्म आनी चाहिए, अपने खानदान की शान, पिताजी की इज्जत सब कुछ भूल गए हो, जो इस तरह के नाच और गानों में हिस्सा लेते हो। पिताजी को पता चल गया तो अपनी छड़ी से तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे। चलो मेरे साथ। नहीं भैया, लेट मी एंजॉय। महेंद्र, मैं कहता हूँ चलो। नहीं भैया, चलते हो या नहीं? नहीं नहीं, चलो। नहीं महेंद्र, क्या हुआ? क्या कर रहे हो? जल्दी करो, पिताजी नीचे पहुंच भी गए। पीटर की तबीयत खराब है सरकार। क्या बदतमीजी सर पर, क्या तुम्हारे? टोपी सरकार। माफ कीजिएगा, गलती हो गई। हॉल में जो छड़ी रखी देखी तुमने, वो सिर्फ सजावट के लिए नहीं रखी हुई है, उसका इस्तेमाल भी किया जाता है। ध्यान रखे, पर अंदर से गलती ना हो। मैन, तुम्हारे हाथ में पट्टी कौन बंधी? जी, हमने तुमसे पूछा महेंद्र, तुम्हारे हाथ में पट्टी कौन बंधी है? जी कल रात को, कल रात को। कल रात क्या? जी के कल रात को ये गाड़ी में घूमने गया था, अचानक इसका हाथ गाड़ी के दरवाजे में आ गया। महेंद्र, कल रात तुम गाड़ी लेकर घूमने निकले थे? किसकी इजाजत? यशोदा, तुमने दी थी इजाजत? मैंने तुम्हें मना नहीं किया था, अकेले गाड़ी लेकर बाहर मत जाया करो। भूल होगी पिताजी, माफ कर दीजिए। अच्छी बात, लेकिन याद रहे वो छड़ी घर वालों और नौकरों में कोई फर्क नहीं रखती, आइंदा से गलती ना हो। शुरू करो। जाते समय हंसते हैं, खुशी मनाते हैं। चलो चलो। अरे चलो बोला, चलो चलो चलो। थैंक यू थैंक यू। कंद्राबादी मंगू, हैदराबादी चंगू। एक बार फिर हमारी किस्मत का फाटक बंद हो गया। कोई बात नहीं, हम इस मट्टी की सौगंध खाकर कहते हैं, हम ऐसा नाटक खेलेंगे, ऐसा नाटक खेलेंगे कि फाटक खुद ब खुद खुल जाएगा, खुल जाएगा। हे भगवान, हमारी मनोकामना है पूरी हो। साहब, ये बचवा तुम्हारा है ना? ये हम दोनों ने। कौन हो जी तुम? शहर का दादा क्या? अरे दादा नहीं, दादी मालूम होती है। हमारा बड़ा बड़ा काम बिगाड़ दिया। कौन सा काम? चोरी का? तुम्हें मालूम है पुलिस वाला था।
तुम दोनों को पकड़ के जेल भिजवा देता। अरे हम भी तो वहाँ जाना चाहते थे। तुम्हें जेल के सुख क्या मालूम? लेकिन मुझे ये मालूम है, चोरी बहुत बुरा काम। आदमी को दो हाथ मिले हैं मेहनत करने के लिए, और तुम दोनों सांडों की तरह मोटे ताजे रहते हो, काम क्यों नहीं करते? काम मिलता कहाँ है? दरअसल बात ये है। अच्छा, तुम दोनों नौकरी करोगे? छोकरी कहाँ है? छोकरी कहाँ है? छोकरी नहीं, नौकरी 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 करेंगे करेंगे। चलो मेरे साथ। चलो चलो चलो। ओके चलो। ओके यार। भैया 9 बजे रोशनी खुल, रेडियो बंद, ये इस घर का कानून है। ठीक है, कानून बाद में बनते हैं, तोड़ने के कायदे पहले निकला दे। अरे अरे ये क्या करते हो? पिताजी को पता चल गया तो जानते हो क्या होगा? क्या होगा? कहीं सुना कोई पाप तो नहीं? पाप तो नहीं, लेकिन पिताजी फरमाते हैं हर चीज का एक वक्त होता है। रात सोने के लिए बनाई गई, लेकिन सोने के लिए संगीत भी बहुत जरूरी है। जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तो सोता हूँ। गुड नाइट। छोटे कुंवर साहब कह रहे हैं कि उनके कमरे में ट्रांजिस्टर तुमने पहुंचाया था, क्या यह सच है? जवाब दो। मैं माफी चाहता हूं सरकार, मैं माफी चाहता हूं। माफी तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम अच्छी तरह जानते हो इस घर के कुछ कायदे हैं, कुछ रिवाज हैं, जिनके साथ खेला नहीं जा सकता। मैं मजबूर था सरकार। हम भी मजबूर। गुजरी पे रो रहा हूं भैया, कसूर मेरा, सदा बटलर ने छेली और मैं खामोश कर देता रहा। लेकिन तुम कर भी कह सकते थे? मैं बहुत कुछ कर सकता था भैया। मैं उस मासूम को जुल्म से बचा सकता था, मैं पिताजी की छड़ी की बोछार रोक सकता था, मैं कह सकता था ये सब गलत है। ये घड़ी की सुइयों से जकड़ी हुई जिंदगी, 6 बजे उठो, 7 बजे नहाओ, 8 बजे नाश्ता करो, 9 बजे कॉलेज जाओ। मैं पूछता हूँ भैया, हमारे घर की जिंदगी और जेल में क्या फर्क है? लेकिन ये सब कायदे हमारे फायदे के लिए बनाए गए। कायदे नहीं भैया, कैद है। यहाँ किसी को कोई आजादी नहीं, यहाँ होंठों पे हंसी भी आते हुए डरती है, माँ बच्चों से प्यार भी करती है तो एक सहमा हुआ, एक फूटा हुआ प्यार। तुम मेरे भाई हो, लेकिन तुम्हारा मेरा रिश्ता तो भाइयों का नहीं है तो कैदियों का है। तुम्हें मालूम नहीं महेंद्र, तुम इस वक्त जोश में क्या कह रहे? अबे बैलगाड़ी नहीं रेलगाड़ी, अभी तो झट से एक्सीडेंट कर दिया। रानी क्या हाल है तुम्हारा? अरे ये तो अपना रतन सेठ है। क्यों बे 420 सेठ, यहाँ किसकी तलाश में है? कौन हो तुम लोग? बे हैदराबादी, देखा अब तो ये अपने को पहचानता भी नहीं। चलो क्या बोलते बॉस, इससे बच के रहना, ये लाइन मारने में बहुत होशियार है। और इसी की वजह से हमको जेल जाना पड़ा। क्या? हाँ, हम इसी के पास काम कर रहे थे, एक दिन इसने एक पार्सल दिया और कहा इसमें खाने के बिस्किट है, पुलिस को पहुँचा के आना। वहाँ पहुँचे तो हमें पुलिस ने धर लिया। उस पार्सल में खाने के बिस्कुट नहीं, सोने के बिस्कुट थे, सोने के। खुद तो रफू चक्कर हो गया और हमें चक्कर में फंसा गया। ये बहुत बड़ा स्मगलर है। स्मगलर दूसरों को जेल भी भजवाता है और खुद मोटर में घूमता है। क्यों रे रतन, ये मोटर किसकी चुराई है? चुराई नहीं, ये तो मैंने खरीदी है। खरीदी है? हाँ, 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 नहीं मॉरिस,
कल तक तो किराए की साइकिल पर घूम रहे थे। कल की बात छोड़ो रानी, आज की बात करो। ये मोटर तो मैंने खास तेरे लिए खरीदी है, चल सैर के लिए चलेगी। सैर करने चलेगी? कभी तुम्हारे झोबड़ा देखा है आने में? मेरा मुँह इतना खराब तो नहीं है। लेकिन तुम्हारे काम बहुत बुरे हैं। काम? कौन से काम? अरे रानी, वो स्मगलिंग तुमने मुद्दत से छोड़ दी। मैं उस धनी राम की बेटी मंजू की बात कर रही हूँ। तुम्हारी वजह से उस बेचारी को गांव छोड़ना पड़ा। तुमने उसे शादी की वादे की और फिर साफ कह दिया, मैं तो रोज शादी करता हूँ, रोज नई दुल्हन खर लाता हूँ। अरे कह भी दिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? और फिर वो तो सब पुरानी बातें हैं, उन्हें भूल जाओ। रानी अब तो मैं तुझे दुल्हन बनाऊंगा। चल मोटर में बैठ, तुझे शहर की सैर करा लूं। छी, खबरदार मुझे छुआ तो हाथ काट के रख दूंगी। और तुम्हारे ये मोटर, उस पर मैं रानी हमेशा वही रही, तलवार की तरह तेज। अरे इसी तेजी पर तो हम कुर्बान है। नई मोटर खराब करके रख दी। आज हमारी डायरेक्टर्स की मीटिंग है, लौटते हुए शायद हमें देर हो जाए, लेकिन किसी को हमारे इंतजार करने की जरूरत नहीं। बल्कि हमारा हुक्म है, हमारे गैर हाजिरी में भी वक्त की पाबंदी और घर के कायदों का वही लिहाज रखा जाए जो हमारे सामने रखा जाता है। Thank you.
मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा, मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगा, घर से बाहर मैं कभी नहीं जाऊंगा पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। आज तुमने भय बाजार में हमारी आबरू का नीलाम कर दिया, हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया तुमने। हम पूछते हमारे बनाए हुए कायदों को तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? एक बाजारी औरत के साथ सड़कों पर नाचने की जुरत कैसे की तुमने? कौन है वो लड़की? कौन है लड़की? कहाँ रहती है? मैं नहीं जानता। तुम्हें मालूम है कौन है लड़की? कहाँ रहती है? सच कहता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। मैं कौन है वो लड़की? कहाँ रहती है? पिताजी जानता हूं, जब से मैं अंदर गया है इस घर में रहना मुश्किल हो गया है, एक एक सांस कांटों की तरह चुभती है। पिताजी ने इस घर को घर नहीं कालकोठी बना रखा है। नहीं बेटे, नहीं, आज तक तुम्हारे पिताजी ने जो कुछ किया इस घर की शान को कायम रखने के लिए किया है, हमारे खानदान के आबरू को बढ़ाने के लिए किया, लेकिन लेकिन ये सब क्यों हुआ? भगवान जाने ये तुम्हारे पिता, न मैं भगवान को दोष दे सकती हूँ ना तुम। तुम्हारी बात और है माँ, तुम पिताजी को छोड़कर नहीं जा सकती और मैं पिताजी के साथ नहीं रह सकता। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि इस घर में कितना बड़ा जुल्म हुआ है, एक माँ की आंखों के सामने उसके मासूम बच्चे की बलि चढ़ाई गई है। खाने को छोड़ के जा रहा हूं। सुरेंद्र, 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 thank you.
सर, इस कंपार्टमेंट में तो कोई बर्थ खाली नहीं, फिर आप यहां कैसे बैठ गए? शो मी योर टिकट प्लीज। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत जल्दी में था इसलिए टिकट लिया ही नहीं। वाह साहब वाह, एक तो विदाउट टिकट सफर कर रहे हैं, वो भी फर्स्ट क्लास में। पकड़े गए तो कह दिया जल्दी में था। बड़े रईस बनते हैं आप। अजी रईस बनते नहीं, रईस हैं ये। हाँ, ये लीजिए रुपए और इनका टिकट बना दीजिए। आप बंबई जा रहे हैं ना? आराम से बैठ के बनिए, आराम से गाड़ी है ये, बैठ के बनिए। लेकिन पैसे आप क्यों देते हैं? पैसे मैं देता हूँ। अजी रहने दीजिए ना, आपके और मेरे रुपए कोई अलग अलग थोड़ा ही है। आप मुझे जानते कैसे? लो सुनो, राजा विक्रम प्रताप के बेटे को कौन नहीं जानता। आओ 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 बैठो। दरअसल मैं भी आप ही के शहर का रहने वाला हूँ। आपके बर्थडे पर आपके घर भी आया, और आपके घर की दीवारों पर जो कायदे टंगे हुए वो भी मैंने पढ़े। बुरा नहीं मानिएगा, अगर मैं बचपन से आपके घर होता तो जवान होने तक कम से कम 50 दफा खुदकशी कर ली होती। लेकिन कमाल है आप लोगों का कि अभी तक। इसलिए मैंने भी घर छोड़ दिया है। घर छोड़ दिया, ये तो बहुत ही अच्छा किया। सच कहता हूँ कि आपके घर से तो कब्रिस्तानों में ज्यादा जिंदगी ज्यादा आजादी होती है। आप बंबई में ठहरेंगे कहाँ? ताजमहल होटल, मुगल सुइट? जी नहीं, किसी धर्मशाला में चला जाऊंगा। अजी धर्मशाला में ठहरे आपके दुश्मन, आप मेरे साथ चलिए, फिर देखिए कि सारी बंबई को फर्श बनाकर आपके कदमों में बिछा दूंगा। लेकिन मैं आपको इतनी तकलीफ क्यों दूं? अजी इसमें तकलीफ क्या बात है, अपना तो काम ही यही है, घर से भागे हुए को रास्ता दिखाना। मेरा नाम रतन है। और मुझे सुरेंद्र का इसकी क्या जरूरत है? राजा साहब के बेटे का नाम कौन नहीं जानता? आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है। आप तो चारों तरफ इस तरह देख रहे हैं जैसे कि पहली बार बंबई में आए। बंबई क्या, सच पूछो तो मैं पहली बार इस दुनिया में आया। और ये दुनिया आपको मैं दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि दुनिया कितनी खूबसूरत है, ये जिंदगी कितनी हसीन है। नहीं पीऊंगा। अरे पियो ना, मेरी तरफ देखो, पैदा होते ही माँ बाप ने जरा सी जबान पे रख दी थी, आज तक जिंदगी के मजे कर रहा हूँ। लो लो लो। अच्छा पियो पियो, पी जाओ खत्म। सारी एक साथ? अरे एक घूट में पी जाओ। गुरु नहीं। अरे पी जाओ, दवा समझ के पी जाओ, पी जाओ, पी जाओ, पी जाओ। कोई बात नहीं, माँ बाप याद कर रहे, माँ बाप। बस बस बस, गुरु एक बात बताओ। पूछो। तुम तो मेरे साथ ही आए हो बंबई, ना तुम्हारे पास बिस्तर था, ना तुम्हारे पास सूटकेस, तो फिर ये सब कहां से आ गया? ये शराब की बोतलें, इतना बड़ा मकान और बाहर खड़ी गाड़ी। ये सब तुम्हारे कदमों की बदौलत। एक बार तुम आईने में अपना चेहरा देखो, मालूम होता जैसे करोड़ रुपए का चेक। मैं अभी आया। आइए आइए आइए, बैठिए, तशरीफ रखिए। ठीक है ठीक है, हम आपसे ये पूछने हैं, आप हमारा रुपया कब लौटा रहे हैं? सेठ जी बहुत जल्द लौटा दूंगा। मालूम है अब तक आप कितना रुपया हमसे ले चुके हैं? मकान के लिए, मोटर के लिए, फर्नीचर के लिए, इसके लिए, उसके लिए, और हर रोज रात को शराब उठती है। मालूम है सेठ जी, आप ये क्यों नहीं समझ लेते कि हम दोनों ने मिलकर एक मुर्गी खरीदी है, सोने का अंडा देने वाली। अच्छा, सोने का अंडा देने वाली? अंडा कब देगी? बहुत जल्द देने वाली है। अंडे पे अंडे, अंडे पे अंडे, सोने के अंडे। सेठ जी ये समझ लो कि हाथी निकल गया, दुम बाकी रह गई है। पावला बुरा है। कौन हो तुम? मैं तो आपके कदमों के साथ हूँ, आपके बेटे सुरेंद्र का दोस्त। जब से वो ये ठहरो ठहरो, जाना से क्या बात? जब से वो ये घर छोड़कर गए हैं मेरे साथ रहते। अगर उन्हें मैं बचा कर ना रखता तो न जाने क्या होता। क्या होता है राजा साहब? आप तो जानते हैं कि रईसों के बेटे जब फिसलते हैं तो कहां जाकर रुकते हैं। साफ साफ बताओ क्या चाहिए तुम्हें? जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। लेकिन रह रहकर एक ख्याल आता है कि आखिर सुरेंद्र को मैं कब तक बचा कर रखूंगा? आपके नाम का क्या होगा, खानदान की इज्जत का क्या होगा? मेरा मतलब है कि कल तक आपका बेटा इस पिंजरे में बंद, आज वो ऊंचे आसमानों में उड़ा है।
आज जिंदगी में पहली बार उसने आजादी का मुंह देखा है, और आजादी में आदमी को यह होश नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। लेकिन कर ही क्या सकता वो, यहां से तो कुछ भी लेकर नहीं गया। जी पैसे लेकर नहीं गए, लेकिन आपका नाम उसके साथ है। आपके नाम पे वो क्या नहीं ले सकते और लोग उन्हें क्या नहीं दे सकते। दस्तखत वो करेंगे और नोटिस आपको आएंगे। दीवान जी। जी हाँ, बाजार में रुसवाई होगी आपकी और आपके खानदान की। हुक्म सरकार। दीवान जी, राजा विक्रम प्रताप के बेटे को किसी कमजर्फ के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। जो मांगते थे दे दीजिए। जाए पाँव रखने। रुको। क्यों, क्या हुआ? आखिर इतनी जल्दी भी क्या है? लेकिन उस्ताद तुम्हीं ने तो सिखाया है कि रफ्तार जिंदगी है। वो तो सच है चेला जी, लेकिन जवानी को इतनी जोर से ना भागने दो कि तुम आगे निकल जाओ और जिंदगी पीछे रह जाए। आदमी को आगे जाते हुए पीछे मुड़कर भी देखना चाहिए। देखो 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 देखो, अरे हाँ गुरु, बात तो है। अनाड़ी आगे निकल आए और मंजिल पीछे रह गई। चलो चलो, गाड़ी को पीछे लो, हम मंजिल को गाड़ी में बिठाएंगे। और अगर मंजिल ने इनकार कर दिया तो? मंजिल कभी इनकार नहीं करेगी। ढूंढने वाले के दिल में तलाश का जज्बा होना चाहिए। चलो चलो चलो। उस्ताद मुझे माफ करो। अरे अपने गुरु पर विश्वास रखो, विश्वास के बिना आदमी को कुछ नहीं मिलता। चलो चलो चप चप। मैं खोलता हूं दरवाजा। हाँ बैठ बैठ। हाँ चलो। देख लिया सुरेंद्र, इसे कहते हैं परी को शीशे में उतारना। लेकिन यार तुम ये करते कैसे हो? सुबह तक इस लड़की से जान पहचान भी नहीं थी और शाम को उसकी तस्वीर भी घर में आ गई। यही तो आर्ट है प्यारे, जिसे सीखने के लिए तुम हमारे चेले बने और जिसे सिखाने के लिए हम तुम्हारे गुरु। गुरु मान के तुम्हें। अरे तुम तो सिर्फ इस तस्वीर को देखकर हैरान हो रहे हो। हम अभी यही जीती जागती परी तुम्हारी खिदमत में पेश करते हैं। करूं मैं क्या सामना तेरा होगा।
कुंवर साहब, शायद आप नहीं जानते कि सुरेंद्र आजकल शराब पीने लगा है, रेस खेलता है, सवार से क्या गाना सुनने भी जाता है। अच्छी तरह जानते हैं राजा साहब। ताज्जुब की बात है, ये सब जानते हुए भी आप अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता हमारे बेटे के साथ करना चाहते हैं? जरूर चाहते हैं राजा साहब, हमें अच्छी तरह मालूम है, ऐसे शौक सब रईसों को होते हैं। अपनी उम्र में मुझे भी थे, जरूर आपको भी रहे होंगे। क्या मतलब आपका, ऐसे शौक हमें कभी नहीं थे, दरअसल हम ऐसी बातों के बिल्कुल खिलाफ हैं। राजा साहब, मेरी बातों को अगर बुरा लगा तो मैं माफी चाहता हूँ। हम खुद शर्मिंदा कुंवर साहब, किस तरह आप ऐसे बाहर चले गए। अब रही सुरेंद्र के ब्याह की बात, इसका फैसला वो खुद ही करेगा। नमस्ते। क्या हुआ? फिर वही गलती, घर से निकले थे तीर्थ यात्रा के लिए, तीर्थ पीछे रह गए और यात्री आगे निकल आए। वो देखो, गुरु तुम जरा नीचे उतर जाओ और दूर से अपने चेले का चमत्कार देखो। ओके। जी प्लीज। नो थैंक यू, मैं बस में चली जाऊँ। जब कार हाजिर हो तो लोग बस का सहारा क्यों लें? यही समझ लीजिए, मुझे कार से बस ज्यादा पसंद है। और कुछ लोगों को बैलगाड़ियाँ पसंद है। मेरी नजर में ऐसे लोग दुनिया की तरक्की के दुश्मन हैं और हमें हजारों साल पीछे ले जा रहे हैं। तो आप क्यों रुक गए, आगे बढ़िए। पढ़ तो जाऊं लेकिन आसमान से आग बरस रही है, इस गर्मी में ये मोम की गुड़िया पिघल ना जाएगी। अब छोटी झूठी शर्म और आइए गाड़ी में बैठिए, ये 19वीं सदी का ढोंग आपको शोभा नहीं देता। आइए। ये तो 20वीं सदी की चीज है ना। हाँ, क्या लड़की है, सर से हाथ तक कयामत। कयामत को तो आज ये खुद पुकार बैठी है। क्यों बुरा मान गए, ये हल्का फुल्का तमाचा, ये तो छोटे मोटे मोहब्बत के तोहफे होते हैं। आप बकते हो। बकता नहीं, मोहब्बत के रास्ते पर चले हो तो हुस्न की अदाएं भी समझो, हुस्न शोक भी होता है और गुस्ताख भी। मैं इसे बता के रहूंगा कि एक तमाचे की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। अच्छा अच्छा, गुस्से को थूक दो, चलो गाड़ी चलाओ, चलो। अब मेरी बर्दाश्त जवाब दे रही है। मैं वो माँ हूँ जिसका एक बेटा इस घर की कैद और घुटन में मर गया और दूसरा आपकी नरमी की शह पाकर अपनी बर्बादी का खुद सामान कर रहा है। फिर भी आप खामोश हैं। तो तुम्हें पता, अब हम क्या करें, उसे भी इस कैद में वापस बुला के घुटन से मार डालें? नहीं नहीं, ये हमसे नहीं होगा, हम किसी की आजादी नहीं छीनना चाहते। हमने अब पिंजरे बनाने की रस्म तोड़ दी। सत श्री अकाल मेम साहब। नमस्ते। टैक्सी? जी नहीं, मैं बस में चली जाऊंगी। मगर बसंत जी से स्ट्राइक हो गई। स्ट्राइक? हाँ जी, चलो टैक्सी में बैठ जाओ और किराया बस का दे देना। क्यों, सिर्फ बस का किराया क्यों लोगे? बस ये है कि अपन भी उधर को जाता है जिधर को आप जाता है, और टैक्सी खाली है। तुम्हें कैसे मालूम मैं कहाँ जा रही हूँ? हमको सब मालूम है, वो माता का मंदिर है ना, उसके सामने वाले बस स्टैप पर हमने आपको कई बार खलोते देखा है। चलो बैठो टैक्सी में। लेकिन बाद में किराए के लिए झगड़ा तो नहीं करोगे? देखो जी, साढ़े जे बंदे लड़कियों के नाल झगड़ा नहीं करते है। चलो बैठ जाओ। कहा था कि स्ट्राइक हो गई है। ओ हाँ, बसा तो चल पड़ी है। चलो अच्छा होया बसा की स्ट्राइक टूट गई, नहीं तो कल रेलवे वाले स्ट्राइक पर चले जाते और उनके साथ साथ बेचारे टैक्सी वालों को भी स्ट्राइक पर जाना पड़ता। तुम्हें नहीं मालूम मेम साहब, ये स्ट्राइक की वजह से हमारा कितना नुकसान होता। अच्छा अच्छा, अब यही कहीं बस स्टॉप पर रोक देना, मैं उतर जाऊंगी। क्यों, क्या होया मेम साहब? जब बसें चल रही है
तो तुम्हारा नुकसान क्यों करूं? मैं बस में ही चली जाऊंगी। इस तरह किस तरह हो सकता है मेम साहब? असी अपना वचन आखिर तक न भावांगे। तुमने कौन सा वचन दिया है मुझे? आप नू घर तक पहुंचाने दा। असी उन आदमी जो नहीं आगे जेड़े पहले दे किसी का साथ देवे फिर अद्धे रस्ते में छड़ देवे। अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेम साहब एक बात पूछा। क्या है? आप नू सारा दिन दफ्तर में काम करने की क्या जरूरत है? आप दी जगह ते खूबसूरत घर विच होनी चाहिदी है जिथे तुहाडा पति कमा के लियावे और तुसी मजे ते पलंग ते बैठ के रेडियो दा गाना सुनो जिस तरह ओ सावन का महीना पावन करे सोर। क्यों मैम साहब अपना गाना पसंद नहीं आया? गाना पसंद है लेकिन मेरा घर आ गया, गाड़ी लेफ्ट को ले लो। ओहो बड़ी छेती तुहाडा घर आ गया। बस के 25 पैसे होते हैं, मैं तुम्हें 50 देती हूँ। ओ बोलिए पैसे नहीं की लोड़ है, तुसी जे नाल आ गए तन पाक साडे, पैसे नहीं चाहिए। तुम्हें लेने होंगे। ओ बोलिए जिदा तेरी मर्जी, ला फिर दे दे। सत श्री अकाल। बाबा बाबा माला। हाँ बाबा। आज तूने बहुत देर लगा दी बेटी। बगैर घड़ी के तुम्हें मालूम हो जाता है कि मैं जल्दी आई हूँ या देर से। मेरे दिल में घड़ी लगी है बेटी जो तेरे जाने से आने तक एक एक पल गिनती रहती है। सोचता हूँ बेटी जब तू इस घर से चली जाएगी तो इस घड़ी का क्या बनेगा? मैं कहाँ जा रही हूँ? सब बेटियाँ यही कहती हैं और एक दिन वो चली जाती हैं हाथों में मेहंदी लगाकर डोली में सवार। बेटी मैं तो खुद उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब कोई राजकुमार हमारी चौखट पर आएगा और मुझसे तेरे हाथ की भीख मांगेगा। तुम तो सपने देख रहे हो बाबा। क्या अंधे सपने नहीं देख सकते बेटी? मगर देवी भगवती की कृपा से मेरा सपना पूरा होकर रहेगा। वो राजकुमार एक दिन जरूर आएगा, जरूर आएगा।
ही कहूंगा, सच ही कहा है, सच ही कहूंगा, तेरा रहा हूँ, तेरा रहूंगा, 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 कन्याकुमारी तू मेरी देवी, मैं हूँ पुजारी तू मेरी देवी, जाने न जाने तू ही न जाने, आंखें तो नहीं है देवी जी, इसीलिए पांव फिसल गया। तो फिर इस हालत में आप यहाँ क्यों आए? सुना है देवी प्रसन्न हो जाए तो आंखों के बुझे हुए दिए फिर जल उठते हैं। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना देवी। अच्छा मैं चलता हूँ। जय देवी माता, जय देवी माता। संभाल के संभाल के, आप लाठी वाठी नहीं रखते? कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। कोई ना कोई दयावान या तो कंधे का सहारा दे देता है या हाथ पकड़कर घर तक पहुंचा देता है। तो आइए आज मैं आपको घर तक पहुंचा देती हूं। धन्यवाद। कहाँ रहते हैं आप? बस निकट ही है कुटिया मेरी। किस तरफ? पहले बाएं जाना पड़ता है फिर दाएं वाली गली में, बाएं तरफ कुटिया है मेरी। अच्छा तो चलिए। धन्यवाद धन्यवाद। क्या हुआ देवी, आप रुक क्यों गई? मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने पहले कहीं आपको देखा है। जी हाँ हाँ, जरूर देखा होगा, जरूर देखा होगा। हम जैसे बेचारे अंधे गली बाजारों में ठोकरें खाते ही फिरते हैं। संभल के। शायद मुझे ही धोखा हुआ, लेकिन वो लगता था बिल्कुल आपकी तरह। वो कौन था? एक आवारा बदमाश जिसके लिए जिंदगी एक खेल है और हर लड़की एक खिलौना। राम 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 राम। और एक मैं हूँ जिसके लिए हर लड़की एक देवी है, पूजा के काबिल। जय देवी माता, जय देवी माता। आइए। बस मेरा निवास तो आ गया। आपको कैसे मालूम हुआ? जिनकी आंखें नहीं होती देवी जी, वो पांव से ही आंखों का काम देते हैं। अरे आपके घर में तो बिल्कुल अंधेरा है। अंधों के लिए अंधेरे और प्रकाश में क्या अंतर, किंतु आप चाहें तो इस घर में प्रकाश हो सकता है। बिजली का स्विच कहाँ है? जी जी उधर है, उधर उधर। वाह वाह, आपके आने से इस घर में उजाला हो गया। लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ कि उजाला हो गया? मैं अंधा जरूर हूँ किंतु महसूस कर सकता हूँ। मैं आपको देख नहीं सकता लेकिन जानता हूँ आप कौन हैं, कैसी लगती हैं। कैसी लगती हूँ? अति सुंदर, अति सुंदर। अप्सराओं जैसा रूप है आपका, देवियों जैसी दया है आपके मन में मेरे लिए। जय देवी माता, जय देवी माता। आप खाने वाले का क्या करते हैं? क्या बताऊं, पहले एक लड़का था जो दो वक्त कच्ची पकी रोटी बनाकर मेरे सामने डाल देता था, लेकिन अब तो वो भी चला गया। आप मेरे खाने की चिंता ना कीजिए, मैं किसी तरह भी गिरते पड़ते पास वाले होटल में पहुंच ही जाऊंगा। होटल तक ठोकरी खाने की क्या जरूरत है, मेरा घर पास ही है, मैं आपके लिए खाना ले आया करूंगी। लेकिन मैं आपको इस झंझट में क्यों डालूं? झंझट होगा आपके लिए, मेरे लिए तो खुशी की बात है। जय देवी माता। इंसान किसी बेबस के काम आ सके ये सौभाग्य हर किसी को नसीब नहीं होता। अच्छा अब मैं चलती हूँ। धन्य देवी, धन्य धन्य देवी। ओहो, कच्चे तागे से बंधी आएगी सरकार मेरी। जिस हाथ ने मेरे मुंह पे तमाचा मारा था
आज वही हाथ मुझे खाना खिलाएगा। द्वार खुले हैं देवी, आ जाओ। बहुत इंतजार करना पड़ा। ज्यादा नहीं, केवल 200-400 बरस। ओह, तब तो बहुत भूख लगी होगी। चलिए खा लीजिए। हाय देवी। अरे ये हाथ को क्या हो गया? आंखें नहीं है ना, चलते चलते फिसल गया और हाथ में चोट आ गई। मेरी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत को दोष देने की बजाय देवी की दया मानिए कि ज्यादा चोट नहीं आई। इसीलिए तो देवी की दया के आगे सर झुका रहा हूँ। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि आपने कितने प्यार से अपने हाथों से मेरे लिए खाना बनाया है और मैं इस हाथ से ये खाना खा भी नहीं सकता। कोई बात नहीं, मैं खिला देती हूँ। आज के लिए मेरा हाथ आपका बन जाएगा। सिर्फ आज के लिए देवी जी। बाबा, आज मुझे मालूम हुआ वो लोग किस कदर भाग्यशाली हैं जिनके घर में माँ होती है या बीवी होती है। सियाने कह भी गए हैं, बीवी आधी माँ होती है, उसके बिना घर आधा घर होता है, जिंदगी आधी जिंदगी होती है। और मेरी जिंदगी तो आधी से भी आधी है। आंखें अंधेरी, दुनिया अंधेरी। मुझे विश्वास है कि एक दिन आपकी आंखों की रोशनी जरूर वापस आ जाएगी। आपकी दुनिया हमेशा अंधेरी नहीं रहेगी। आपके मुंह में भी शक्कर। वाह वाह, खाना कितना लजीज बना है, अति लजीज बना है। आप तो खामखा झूठी तारीफ कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं झूठी तारीफ नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। जी चाहता है उंगलियाँ चाट लूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे हाथ से छोड़िए। माफ कीजिएगा, मैं समझा ये उंगलियाँ मेरी हैं। पानी पानी। वरना पराई आग में कौन कूदता है? कहीं आसपास तो नहीं आई? आइए, जल रही है, जल रही है। मेरी आंखें जल रही हैं। देवी जी कहाँ है आप? जल्दी से मेरा हाथ थामिए और मुझे देवी के मंदिर ले चलिए। चलिए चलिए जल्दी जल्दी। क्या हो गया? ओ मेरी आंखें, देवी मैं आ गया। मुझे बचा लो देवी, मुझे बचा लो देवी। शांत हो जाइए, आप जल्दी से अंदर जाइए और देवी का चरणाम मिलेगा। जल्दी जल्दी, मेरी आंखें। अपने हाथों से छींटा मारिए मेरी आंखों पर, जोर से और जोर से। बाबा बाबा डरने हो, मुझे कुछ हो रहा है। मैं देख सकता हूँ, मेरी आंखों में रोशनी आ गई। देवी देवी देवी, तेरी महिमा अपरंपार, तूने मुझे आंखों का वरदान दे दिया। ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत है, और सबसे ज्यादा खूबसूरत है आप। जैसे संसार की सारी चांदी सिमट कर एक मूर्ति का रूप धारण कर ले। क्यों देवी जी? मैंने झूठ तो नहीं कहा? मैं क्या जानू। मैं भी नहीं जानता था कि हम एक दूसरे के इतने निकट आ जाएंगे। ऐसा लगता है जैसे जन्म जन्म से साथ था मेरा और आपका। लेकिन ये सब सोचकर मैं उदास सा हो जाता हूँ। क्यों? इसका अंत क्या होगा?
बोलिए ना देवी जी, इसका अंत क्या होगा? मुझे पूरा विश्वास है जो भी होगा अच्छा ही होगा। जिस देवी ने आपको आंखें दी हैं, वो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। वाह 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 वाह, मेरा नया जन्म हो गया। धन्य हो देवी, धन्य हो। मैं देवी नहीं, माला हूं। और मैं सुरेंद्र। लोग गृहस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम में जाते हैं और तुम उल्टी तरफ चल दिया बेटा। क्यों, वो इन गेरुए कपड़ों से नहीं फंसेगी? फंसेगी गुरु, जरूर फंसेगी। बस थोड़ी सी कसर रह गई है। आज रात को किले की दीवारें तोड़ी जाएंगी और जीत के झंडे गाड़े जाएंगे। तो फिर आज रात के लिए चैंपियन का इंतजाम हो जाए? हो जाए। माला का तो गुमान भी नहीं कि आज रात को क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? समझ लो माला एक फूल। आज वो फूल शाख से तोड़ा जाएगा, सूंघा जाएगा, मसला जाएगा, रौंदा जाएगा। हाँ 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 हाँ, अब बोलो ना राजा विक्रम प्रताप का बेटा। चांद निकला भी नहीं और चांदनी है सामने, चांद निकला भी नहीं और चांदनी है सामने। ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूं।
इतना कीमती हीरों का हार? दुनिया के तमाम हीरे तुम्हारे सामने मांद हैं। इसे एक मेरी छोटी सी भेंट समझो और स्वीकार करो। धन्यवाद। इस तरह नहीं। फिर किस तरह? समझी, आप चाहेंगे मैं आपके करीब आऊं, आप मुझे अपने बाजुओं के घेरे में ले लें, अपने हाथ से मेरे गले में हार पहनाएं, यही चाहते हैं ना आप? हाँ माला, लेकिन मेरे दिल का हाल तुमने कैसे पढ़ लिया? बात यहाँ भी खत्म नहीं होगी, बात और आगे बढ़ेगी। आप मुझे अपने प्यार का वास्ता देंगे, दुनिया भर का दर्द अपनी आवाज में भर के कहेंगे, माला तुम्हें नहीं मालूम मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। सचमुच माला, तुम्हें नहीं मालूम मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। बात यहाँ भी खत्म नहीं होगी और आगे बढ़ेगी। आप अपने गाल मेरे गालों पर रख देंगे, आपकी अंगारों की तरह दहकती हुई सांस मेरी सांस से टकराएगी और आप कहेंगे, माला वो देखो आसमान पे हर एक तारा दूसरे तारे से कह रहा है प्यार दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। तुम सच कहती हो माला, सच कहती हो, प्यार दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। और आप इस दुनिया के सबसे बड़े बहरूपी है, ढोंगी, फरेबी और मक्का है। अब आइए सुरेंद्र बाबू और मचा लीजिए वो लूट जिसके लिए आपने ये सारे नाटक खेले, सारे ढोंग रचे, गेरुए कपड़े पहने, अंधे बने आप। राजा विक्रम प्रताप का बेटा इतना गिर सकता है मुझे मालूम नहीं था। मेरी तरफ देखिए और जवाब दीजिए, आपकी कोई बहन होती और उसे आप जैसा कोई शरीफ आदमी मिलता तो आप क्या करते? आप हीरे खरीद सकते हैं लेकिन मेरा प्यार नहीं, मेरी इज्जत नहीं। ले जाइए अपना हीरो का हार और कहीं और जाके गाड़ी अपना समझो। छोटे सरकार। दीवान जी, आप और यहाँ? जी हाँ, राजा साहब ने आपके लिए 10,000 रुपए भेजे हैं। मेरे लिए? जी हाँ, पहले आपके दोस्त रतन साहब आपके लिए राजा साहब से 1,000 रुपए ले जाते रहे। अच्छा, आपकी बार रतन साहब ने खत लिखा कि आपको 10,000 रुपए की सख्त जरूरत है, इसलिए मैं खुद ये रुपए लेकर चला आया, सोचा किसी बहाने आपके दर्शन भी हो जाएंगे। दीवान जी, आप ये रुपए वापस ले जाइए। आ गया। कम ऑन गर्ल्स, गेट अप। क्यों? तुम्हारी जीत तुम्हारे दोस्त नहीं मनाएंगे तो और कौन मनाएगा? गेट आउट ऑफ यू, निकलो यहां से, निकलो। क्या बात है प्यारे, वो तुम्हारी जीत के झंडे क्या हुए? हम तो समझे थे कि बाग से एक फूल तोड़कर लाओगे और एक आधी पत्ती हम गरीबों के हिस्से में भी आ जाएगी, इसीलिए तो ये सब बैंड बाजा। तुम निकल जाओ यहां से, आज से मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहता। कमाल आदमी हो, दोस्तों के साथ ऐसा सलूक करते। याद है जिस दिन तुम घर छोड़कर आए थे तो बिल्कुल बुद्धू थे। अरे हमने तुम्हें बुद्धू से इंसान बना दिया, तुमने मुझे इंसान से शैतान बना दिया था। एक सीधे साधे आदमी को पाप के अंधे कुएं में धकेल दिया था। तुम इसे दोस्ती कहते हो? दोस्त ना सही, गुरु तो हैं तुम्हारे। हमने तुम्हें हुस्न देखने और पहचानने वाली आंख बख्शी, हमने तुम्हारी जिंदगी के वीरान दरीचों को सजाया, पर ना पहले तुम्हारी जिंदगी क्या थी? डाखाने का बैरंग लिफाफा या शराब की खाली बोतल? और आज तुम हमें आंखें दिखाने लगे, और वो भी उस फूल की खातिर जिसे मैं जब चाहूं जहां चाहूं मसल सकता हूं, रोन सकता हूं। खबरदार, उस देवी की शान में कुछ कहा तो। अच्छा, तो वो अब देवी हो गई तो सुन लो दोस्त, कर्जा हमने भी आज तक किसी का नहीं रखा, तुम्हारा चांटा लौटा दूंगा तुम्हें सूद के साथ। गेट आउट। Thank you.
तारा, तारा क्यों पुकार? कौन है तुम? कौन है तुम? तारा। कौन हो? तारा। तारा तारा क्या कर रहे हो? बड़े रईस राजा विक्रम प्रताप। राजा विक्रम प्रताप चले सका। यहाँ कैसे आ गए? जवान बेटे की मौत से इनका दिमाग हिल गया। चले सका। रातों को निकल जाती न जाने कहाँ कहाँ चले जाती। लेकिन उसने मुझे तारा क्यों कहा? पिताजी सख्त बीमार है। माला? कौन? माला। माला बेटी, ये कौन आया? तुम? कौन है बेटी? जी मैं सुरेंद्र हूँ, माला से मिलने आया हूँ। मैं अभी आई बाबा। अच्छा बेटी। माला, यहाँ क्यों आए हो तुम? पिताजी अचानक बीमार हो गए, मैं घर जा रहा हूं। जाने से पहले तुमसे मिलना चाहता था, तुमसे कुछ कहना चाहता था। तुम्हारे तरकश में कोई और तीर बच गया है जिसे अब चलाने आए हो? नहीं माला, वो तीर चलाने वाला सुरेंद्र मर चुका है। अब तुम्हारे सामने एक नया सुरेंद्र खड़ा है जो धोखेबाज नहीं है, ढोंगी नहीं है, फरेबी नहीं है। मुझे कैसे मालूम हो कि ये उस सुरेंद्र के किसी नए नाटक का पहला अंक नहीं? नया स्वांग, नई सीन सीनरी, बाकी सब कुछ नया, लेकिन कहानी वही पुरानी, वही चिड़िया और बाज की कहानी। माला, मैं पहले जरूर तुमसे बदला लेना चाहता था, चाहता था तुम्हारे अभिमान को नीचा दिखाऊं, लेकिन नीचा मुझे देखना पड़ा, हार मेरी हुई। मैं सच कहता हूं माला। मैं कौन होती हूं झूठ और सच का फैसला करने वाली? फिर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहां? उस दरबार में जहां सच और झूठ का फैसला होता है। आओ मेरे साथ। मैं चाहता था जहां यह नाटक शुरू हुआ था वहीं खत्म भी हो। मैं एक दिन इसी मंदिर में आया था तुम्हारे लिए जाल बिछाने, लेकिन माला आज ना मेरे पास कोई जाल है ना मेरे चेहरे पर नकाब। मैंने इसी देवी के सामने तुमसे हजारों झूठ कहे और आज इसी देवी के सामने तुमसे पहली बार सच कहता हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं माला। माला, यह है मेरे प्यार की छोटी सी निशानी। अगर चाहो तो प्यार से इसे कबूल कर लो, चाहो तो नफरत से इसे ठुकरा दो। हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा हो चुका हूं। देखो डॉक्टर, डॉक्टर
ये क्या बीमारी है? ऐसा लगता है जैसे कोई दर्द है जिसे राजा साहब अपने सीने की गहराई में छिपाए बैठे हैं। दिल के अंधेरों में क्या क्या होता है कोई क्या जाने सुरेंद्र। मैं जानता हूँ डॉक्टर, पहले महेंद्र चला गया, फिर मैंने घर छोड़ दिया, यही बीमारी लग गई है पिताजी। लेकिन माँ माँ आप चिंता नहीं करो, मैं आ गया हूँ माँ, आप पिताजी बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे, बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। कितने दिन हो गए? 7 दिन पिताजी। यानी 7 दिन लगातार तुम हमारी सेवा करते रहे? ये तो मेरा फर्ज था पिताजी। इस कैदखाने में वापस कैसे आ गए? कैदखाने में वापस नहीं आया पिताजी, अपने घर लौटा हूं, मां बाप के पास। हम यही सुनना चाहते थे। हमने सुना है सुरेंद्र कि बाहर जाकर तुमने ऐसी बहुत सी बातें की हैं जो हमारे खानदान को शोभा नहीं देती, क्या ये सच है? मैं शर्मिंदा हूं पिताजी, घर छोड़ने के बाद आजादी नशे की तरह मेरे सर को चढ़ गई। मैं दुनिया को खिलौनों की एक दुकान समझने लगा जिसका हर खिलौना मैं खरीदना चाहता था। लेकिन 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 मेरी मुलाकात एक देवी से हो गई जिसने मुझे यह सिखाया कि दुनिया की हर चीज खरीदी नहीं जा सकती। उसने मेरी आंखें खोल दी और मेरे दिल में उसके लिए बहुत प्यार है। जी पिताजी। सुरेंद्र, तुम भी वही गलती कर रहे हो जो एक दिन हमने की थी। गलती ही नहीं, बहुत बड़ा पाप था वो, ऐसा पाप जिसका प्रायश्चित हम आज तक न कर सके और जिसका दर्द अब तक हमें घुन की तरह खाए जा रहा है। पिताजी अब रहने दीजिए, चलिए आराम कीजिए। नहीं नहीं सुरेंद्र, जब बात शुरू हो गई है तो कह लेने दो हमें। आज तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं जिसे हम अपने दिल की बात कह सके। तो कहिए पिताजी। सुनो सुरेंद्र, जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो एक गरीब लड़के से हमारी मोहब्बत हो गई, तारा था उसका नाम। हम एक दूसरे को बहुत चाहते थे, लेकिन चाहत की दुनिया और होती है बेटा, और खानदानों के रिश्ते और। हमारे पिताजी ने हमारी शादी एक बहुत बड़े घराने में तय कर दी, तुम्हारी मां के घराने में। हम तारा की जिंदगी से खेल कर इन महलों में वापस आ गए। हमने उसके साथ विश्वासघात किया, अगर वो चाहती तो इस विश्वासघात की कीमत मांग सकती थी, हमसे बदला ले सकती थी, लेकिन उसने अपने होंठ सी लिए, वो खामोश रही। एक अरसे के बाद हमें मालूम हुआ कि उस दुनिया से चल बसी थी, और ये भी खबर मिली कि वो मां बन चुकी थी हमारी बेटी की मां। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? ये सच है बेटा, अब जानती है, सुनकर तुम्हारे दिल को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा होगा। लेकिन पिताजी आपकी बेटी का क्या हुआ? कुछ ही दिन पहले हमें मालूम हुआ कि हमारी बेटी पेट भरने के लिए शहर के रास्तों पर नाचती फिरती है। रास्तों पर नाचती फिरती है? हाँ सुरेंद्र, कितना पुस्तिल हूं मैं, कितना पुस्तिल हूं। बस कीजिए पिताजी, बस कीजिए, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि मेरी बहन रहती कहाँ है, मैं अभी जाकर उसे वहां से ले आऊंगा। कैसे कैसे उसे यहां लाओगे? ये काम उतना आसान नहीं सुरेंद्र,
इन महलों से भी ऊंची हैं वो फौलादी दीवारें जो हमारे खानदानों ने उठा रखी हैं। लेकिन पिताजी, इस भूल को सुधारना तो होगा ही। हाँ बेटा, इस भूल को सुधारना तो होगा ही, लेकिन लेकिन इस तरह कि तुम्हारी माँ का दिल न टूटे, वो हमें अब तक देवता मानती है। हम नहीं चाहते हैं कि हम उसकी नजरों से गिर जाएं। हमारे ये राज उस पर कभी नहीं खुलना चाहिए, इस जिंदगी में भी और जिंदगी के बाद भी। वचन दो सुरेंद्र, हमें वचन दो। पिताजी, आपका ये राज मां पर कभी नहीं खुलेगा और ना ही दुनिया वालों को कभी इस बात का पता चलेगा। मुझ पर विश्वास रखिए पिताजी, विश्वास रखिए। जीते रहो बेटा, जीते रहो। I'm sorry.
तमाशा देखते जा रहे हो? खोल के दे दो, दे दो 5 पैसे 10 पैसे दे दो बाबू साहब, जो मन में आया दे दो, दे दो बाबू साहब दे दो। इस शहर की गंदी बस्ती में रहने वाली वो लड़की राजा विक्रम प्रताप की बेटी है, तुम्हारी बहन। अरे इस तरह आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो? इतनी देर खड़े खड़े नाक देखते रहे, एक चवन्नी तो निकालो देव से। उधर देख, उधर देख, किस्मत खुल गई। देख लो बाबू साहब, सिर्फ एक चवन्नी ही निकाली है। ये बटवा ही रख लो, मैंने अपनी मर्जी से दिया है। हम बाजार में सिर्फ अपना पेट भरने के लिए नाचते हैं, हमें इसे ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं। रानी तूने बात क्यों नहीं मानी? रानी आजकल बहुत ऊंचे उड़ने लगी हो। क्या मतलब? सुना है रात को राजा साहब तशरीफ लाते हैं तुम्हारे झोपड़े में, और दिन में कुंवर साहब नोटों से भरा हुआ बटुआ नजर करते हैं। आखिर हम भी तो जाने, ये हिसाब किताब क्या है? वो हिसाब किताब तो जो है सो है, लेकिन तुम्हारा मेरा एक हिसाब है रतन। वो क्या? वो मैं अभी चुकाई देती हूँ। रानी ये हिसाब चुका नहीं, खाता खुला है अभी। मैं आज शाम को तुमसे मिलने आऊंगा, बेशक अपने सारे परिस्तार बुला लेना, लेकिन रतन आएगा और जरूर आएगा, जैसे बादल गिर के आते हैं। कौन है? मैं हूँ रतन, तुम्हारा खादिम। किस लिए आए हो? रानी आज दिन को तुमने कहा था ना कि हमारा तुम्हारा हिसाब है, तो मैंने सोचा तू ना आज रात को ये हिसाब चुका ले। चले जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम यहाँ भी आ पहुँचे? मैं ये देखने आया हूँ रतन कि तुम कितना गिर सकते हो। एक मासूम अबला पर हमला करना तुम्हारे जैसे बुजुर्ग का काम है, और जो तुम्हारा काम है वो भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ दोस्त। तुम तो अपनी रातें सजाने के लिए हीरे मोती खरीद सकते हो, रानी मुझ जैसी गली में पड़ी हुई ट्यूशन ट्यूशन तो हमारे लिए छोड़ दो। अपनी जान जोखिम में डाल दी मेरी खातिर, तुम भी कैसे पागल हो? मैं पागल नहीं हूँ रानी, मैं कमीने को अच्छी तरह जानता हूँ, ये फिर आएगा यहाँ, अब तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। हम गरीबों को तो ऐसे खतरों का रोज ही सामना करना पड़ता है बाबू साहब, मैं उस रतन के बाप से भी नहीं डरती। अच्छा बाबू साहब अब तुम जाओ, जाके अपने बंगले में आराम करो। नहीं रानी मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। हाय हाय हुकू, न जान न पहचान, कैसे हो? मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। मैं पूछती हूँ बाबू साहब, मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? तुम मेरी बहन की तरह हो रानी। बहन की तरह? हाँ रानी। लेकिन तुम्हारे अपने भाई बहन नहीं है क्या जो मुझे साथ ले जाना चाहते हो? एक भाई था छोटा जो इस दुनिया से चल बसा, तुम मेरे साथ चलोगी तो शायद उसका दिया हुआ घाव भर जाएगा। लेकिन कहाँ ले जाओगी मुझे? रानी मैं तुम्हें एक अलग मकान लेके दूंगा। बाबू साहब लोग बहनों को अलग मकानों में नहीं रखते, तुम्हारा अपना घरवर नहीं है क्या? तुम्हारे माँ बाप हैं क्यों नहीं रानी? लेकिन लेकिन क्या? मैं सोच रहा था कि सोचा कुछ और होगा, कहते हो कुछ और। रानी भगवान के लिए मुझे गलत ना समझो, अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो तुम मुझे अपने घर क्यों नहीं ले जाते? बात यह रानी के मैं सब समझ गई,
तुम सोच रहे हो मुझ जैसी रास्ते की खाक उठा कर घर ले जाओगे तो तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे, यही ना? ऐसी बात नहीं है रानी। तो फिर क्या बात है रानी, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? कुछ समझाने की जरूरत नहीं, अव्वल तो मैं जाऊंगी नहीं तुम्हारे साथ। अगर जाऊंगी तो वहीं जाऊंगी जहाँ तुम्हारी माँ रहती है, जहाँ तुम्हारा बाप रहता है, सोच लो। अच्छा रानी, मुझे मंजूर है, चलो चले। इतनी जल्दी भी क्या है, मुझे जरा अच्छी तरह सोचने दो रानी। अगर दिल माना तो फिर सुबह चलूंगी तुम्हारे साथ। क्यों माँ, ठीक है ना? ठीक है। अरे आओ रानी, आओ। हाय हाय हक्कू, कितना बड़ा घर है ये, सारा घर तुम्हारे बाबू साहब? हाँ रानी। इसमें कितने खानदान रहते हैं? खानदान नहीं रानी, यहाँ सिर्फ तीन आदमी रहते हैं, मेरे पिताजी, मैं और मेरी माँ। बस? हाँ। तीन आदमियों के लिए इतना बड़ा घर, तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं तो? मैं तो इस फूल फूले यम में बिल्कुल खो जाऊंगी। तुम नहीं खो जाओगी रानी, आओ तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आया। बैठो बैठो बैठो। तुम कौन हो जी, यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो हूँ जी जिसे घर वाले घर लेके आए। पिताजी, ये तुमने क्या किया, लड़की को घर में ले आया? पिताजी मैं क्या करता, इसके साथ कुछ आ रहा ही नहीं था, वो कहीं और जाना ही नहीं चाहती थी। लेकिन उस लड़की को घर में रखना बारूद का ढेर रखने के बराबर है, किसी वक्त भी फटकर घर की शांति में आग लग सकते थे, उसे ले जाना था। मैंने बहुत समझाया पिताजी, लेकिन उसे मेरी एक नहीं मानी, बस एक ही दिन पकड़ के बैठ गई, कहने लगी अव्वल तो मैं कहीं जाऊंगी नहीं, और अगर जाऊंगी तो उसी जगह जाऊंगी जहाँ तुम्हारे माता पिता रहते हैं। और पिताजी हालात भी कुछ ऐसे थे कि मैं अपनी बहन को उस गंदी बस्ती में अकेले छोड़कर नहीं आ सकता था। ठीक है सुरेंद्र, तो ठीक है, लेकिन लोगों को शक हो सकता है, तुम्हारी माँ को अगर शक पड़ गया तो? पिताजी आप इतनी ना रखिए, माँ को कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ पता नहीं चलेगा। सुरेंद्र, सुरेंद्र, आप चिंता ना कीजिए पिताजी, फिक्र ना कीजिए। तुम इसे यहाँ ले आए हो? हाँ माँ, दुनिया में इसका कोई सहारा नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, ये अनाथ है बेचारी। लेकिन मैं पूछती हूँ ये घर अनाथ आश्रम कब से हो गया? हाँ, मैं यही तो इन बाबूजी से कह रही थी, गली बाजार में नाचने वाली को घर ले जाओगे तो तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे? क्या तुम गली बाजारों में नाचती हो? कल तक तो नाचती थी, आगे राम जान। सुरेंद्र तुमने इतना तो सोचा होता कि तुम किस बाप के बेटे हो, वो तो बीमार पड़े, उन्हें पता चल गया तो न जाने क्या। मां तुम चिंता ना करो, पिताजी को मैं समझा लूंगा। सुरेंद्र पहले इस घर का दर्जा देखो और फिर इस नाचने वाली को देखो। हाय हाय हकू, नाचने वाली हो तो क्या हुआ, हमारा भी कोई दर्जा है? रानी तुम चुप रहो, माँ रानी मेरी बहन की तरह है। सुरेंद्र तुम इसे अपनी बेटी समझो या ना समझो, लेकिन मेहमान तो समझ सकती हो। लेकिन मेहमान मेहमान में भी फर्क होता है, ऐसे मेहमानों के लिए हमारे घर में जगह नहीं, कह दो इसे यहाँ से चली जाए। माँ ऐसा ना कहो, माँ मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ रानी के यहाँ रहने से इस घर के दर्जे में कोई कमी नहीं आएगी। माँ रानी को यहाँ रहने दो, रहने दो ना माँ। ठीक है ठीक है, लेकिन एक बात याद रहे, ये सिर्फ नीचे रह सकती है, ऊपर कभी नहीं जाएगी। मुझे भी क्या पड़ी है ऊपर जाने की, बेफजूल टांगे तोड़ने। रानी चलो। ये ठक-ठक कौन कर रहा है? मैं अंदर आ सकता हूँ? दरवाजा खुला है और अंदर काले कुत्ते नहीं बैठे जो किसी को काट लेंगे। आ जाओ आ जाओ। तुम बाबू साहब? हाँ रानी। ये बात मेरी समझ में नहीं आई अभी तक, यहाँ लोग खुले दरवाजे में ठक-ठक क्यों कर रहे हैं? ये तरीका है अच्छे लोगों का, धीरे धीरे तुम भी सीख जाओ। कम इन। राम राम, नमस्ते नमस्ते, सलाम सलाम। रानी क्यों फिर कोई गलती हुई मुझसे, कोई आए तो राम राम सलाम नहीं करना चाहिए? ऐसी बात नहीं है रानी, ये तुम्हारे कपड़ों का नाप लेने आई। नाप? प्लीज गेट अप। देखो जी मैं तुम्हारी किटी-पिटी कुछ नहीं जानती, आप जरा खड़ी हो जाइए फिर ऐसा बोलो ना। आ, आ। ओ पीटर कम इन, ले आए सारा सामान। जी सर। तुम जल्दी से टेबल साफ करो और प्लेट ले जाओ। नमस्ते साहब। ले लिया मेजरमेंट? जी हाँ, दो चार दिन में कपड़े बन जाएंगे। अच्छा थैंक यू। नमस्ते। ये सब क्या है बाबू साहब? रानी ये तुम्हारे लिए साड़ियाँ हैं। साड़ियाँ मेरे लिए? हाँ। ये एक एक कितने के हो गए बाबू साहब?
ये कोई होंगी 400-500 रुपए की एक। 500 रुपए? 500 में तो हमारी बस्ती में पूरे खानदान के लिए झोपड़ा बन जाता है। रानी अब तुम झोपड़े में नहीं रहती हो, राजा विक्रम प्रताप के घर में रहती हो, अब तुम्हें यहाँ के तौर तरीके सीखने चाहिए। लेकिन ये बांधते कैसे बाबू साहब, तुम बताओ ना मुझे। अच्छी बात है, इसको ऐसा किया। अच्छा। और फिर ये ऐसा। कैसी लगती हूँ मैं? ओह वेरी गुड, अब मेरे साथ आओ रानी। कहाँ? जरा तुम्हें तुमसे मिलवाऊं, आओ इनसे मिलिए। अरे यहाँ तो मैं ही नहीं लगती। तुम बिल्कुल मेरी बहन की तरह लगती हो। हाँ टेबल पर रानी, रानी ओह बचाओ। चलो आओ तुम्हें सिखाएं कि कांटे की छुरी से खाना कैसे खाया जाता है। इसमें तो खाना कुछ नहीं है। खाना डाइनिंग टेबल पे होगा, यहाँ तुम्हें सिखाया जाएगा। चलो बैठ जाओ, बैठो। पाँव नीचे, पाँव नीचे, पाँव माथे लाओ, सीधे बैठो। ये रहा नैपकिन। नैपकिन? पीटर तुम जाओ। नैपकिन नहीं नैपकिन, ये इसलिए इस्तेमाल होता है कि कपड़े खराब ना हो। चलो, ये रहा कांटा, ये रही छुरी। कांटा बाएं हाथ में होगा, छुरी दाएं हाथ में। कांटा बाएं हाथ में, छुरी दाएं हाथ में। वेरी गुड, ठीक है। हाँ, अब फर्ज करो इस प्लेट में ऑमलेट है। हैमलेट? हैमलेट नहीं ऑमलेट, अंडों को फेंट के जो बनाया जाता है उसे ऑमलेट कहते हैं। अंडा? अंडा। हाँ, अब देखो अब ऑमलेट कैसे खाएंगे। पहले कांटे से ऑमलेट को यूं पकड़ा और छुरी से यूं काटा। हाँ, चलो काटो। रानी 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 तुम तो कांटा काट रही हो, ऑमलेट नहीं। ये देखो ऐसे, यूं ऐसे पकड़ो, आवाज नहीं आनी चाहिए, और यूं काटा इसे, और वो ऑमलेट का टुकड़ा उठा के यूं खाए। चलो खाओ। मैं झंझट क्यों, सीधा हाथ से खाने से क्या होगा? रानी इस घर में हाथ से नहीं खाना खाया जाता। ना बाबू साहब, जब तक मैं यूं न बैठूं और यूं हाथ से न खाऊं मुझे मजा नहीं आता। रानी पिताजी कहते हैं इस तरह गंवार खाते हैं, इंसान नहीं। अच्छा मुझे क्या मालूम, चूरी चाकू से खाने वाले ही इंसान होते। आज कितने दिन हो गए बेटी, कितनी रातें गुजर गईं, तू पल भर के लिए भी नहीं सोई। तुम अच्छे हो जाओगे बाबा, तो मैं कई रातें एक साथ सो लूंगी। शायद कोई आया है। कौन है बेटी? कोई नहीं बाबा, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजा खटखटाया। तुम हंसे क्यों बाबा? तू कुछ भी कह बेटी, तू सुरेंद्र को भूली नहीं, ऐसा ही होता है, दिल नहीं मानता फिर भी दिल यही चाहता है कि कोई आ जाए। क्यों देख तू बेटी कौन है? आप? हाँ माला, बाबा कैसे? आओ बेटा जीते रहो, तुम्हारी बड़ी लंबी उम्र है सुरेंद्र, हम अभी तुम्हारी बातें कर रहे हैं। सच बात तो यह है कि बाबा आपकी बातें कर रहे थे। बातें मैं कर रहा था और कान इसके दरवाजे पर लगे थे। तुम्हारे पिताजी कैसे हैं बेटा? अब तो तबीयत कुछ संभल गई है, आप कैसे हैं? ठीक हूं बेटा, बस दिया जल रहा है अब तक, मगर तेल खत्म हो चुका है। सुरेंद्र मुझे बड़ी खुशी है बेटा तुम आ गए। जाने से पहले मैं तुमसे दो बातें करना चाहता था। सुरेंद्र। जी बाबा। बेटा मैं तुमसे एक बात साफ साफ पूछना चाहता हूँ, तुम एक बार मेरी बेटी का हाथ थामने के बाद उसे छोड़ तो नहीं दोगे मस्तार? बाबा ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं माला को कभी दूर नहीं होने दूंगा अपने आप से।
मैं इस पर दुख का साया तक नहीं पड़ने दूंगा। इतनी बड़ी दास्तां हो गई, धीरे धीरे मोहब्बत जवां हो गई, बात इतनी बड़ी दास्तां हो गई। जवां हो गई, बात इतनी बड़ी दास्तां हो गई। कर चुके आप जब मुझसे अहदे वफा, कर चुके आप जब मुझसे अहदे वफा, जवां हो गई, बात इतनी बड़ी दास्तां हो गई। रानी, मैं जरा काम से बंबई गया था। ओहो, बड़े खुश नजर आते हो, लगता है काम बहुत अच्छा हो गया तुम्हारा। ज्यादा बातें मत बनाओ रानी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए किताबें लाया हूँ। किताबें? मैं तो पढ़ भी नहीं सकती। मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, आओ आओ बैठो। हाँ, पहले हिंदी की किताब। हाँ बोलो। अ से अनार, आ से आम। इसके लिए किताब की क्या जरूरत है, मैं तो देख के ही बता सकती हूँ ये अनार है ये आम है। रानी, विद्या अनार और आमों पर ही खत्म नहीं होती, विद्या से मन के अंधेरे में उजाला होता है, विद्या से ज्ञान बढ़ता है। बोलो, पढ़ोगी ना? ठीक है, तुम कहते हो तो पढ़ूंगी। वेरी गुड। हाँ बोलो। अ से अनार, अ से अनार, आ से आम, आ से आम, से इमली, ई से इमली, M O T H E R, mother, माँ, F A T H E R, father, father नहीं father, 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 F F F F F, father। चलो चलो, ठीक है ठीक है, आगे पढ़ो आगे पढ़ो। B R O T H E R, brother, भाई। एस आई एस टी ई आर, सिस्टर, बहन। वेरी गुड।
तुम्हें तो बहुत अच्छा आता है। ये भाई बहन तो बहुत आसानी से आ जाता है, पता नहीं क्यों ये फादरी गले में अटकता है। विक्रम प्रताप, अपनी पिछली जिंदगी में अब झांकना छोड़ दो। तुम्हारी बेटी रानी अब इस घर में रहती है, वो किसी वक्त भी यहां पहुंच सकती है। ये तस्वीर उसने देख ली तो खत्म हो जाएगा। अकलमंद आदमी आंचल में आग लेके नहीं फिरते। अगर तुम अपने भेद को भेद रखना चाहते हो तो फाड़ डालो इस तस्वीर को। हाँ, फाड़ डालो, फाड़ डालो। ठीक कहते हो तुम ठीक कहते हो। कौन कौन है? राजा साहब ने क्यों पढ़ा? मां की तस्वीर राजा साहब के साथ, ये सब क्या है मां? मेरी एक बात सुनो, मैंने झूठ मूठ तुम्हारा नाम रानी नहीं रखा। तुम सचमुच एक बड़े बाप की बेटी हो। मैंने उसका कलंक अपने माथे पर ले लिया, लेकिन उसे बदनाम नहीं किया। अब मेरे माथे का कलंक तुम्हें धोना होगा रानी। मैं राजा साहब की बेटी हूं। तभी उस रात तारा, कौन हो? तारा क्या कर रहे हो? इसका मतलब राजा साहब ही मेरे पिता हैं। तभी उस दिन उनका बेटा सुरेंद्र। तुम मेरी बहन की तरह हो रानी। बहन की तरह? कितनी बुद्धि है ये बड़े लोग और कितने पत्थर दिल। भाई को मालूम है मैं उसकी बहन हूं, लेकिन वो मुझे बहन कहने के लिए तैयार नहीं। बाप को मालूम है मैं उसकी बेटी हूं, फिर भी एक बार उसने मुझे बेटी कहकर गले नहीं लगाया। मैं अब समझी मुझे इस घर में क्यों लाया गया। जिंदगी भर तुम्हारी होश पिले रहे मां, अब ये चाहते हैं मेरी जबान पर भी सोने के ताले लगा दिए जाए। नहीं, नहीं, ये राज खुलेगा मां, ये राज खुलेगा। मैं उनके मुंह से कहलवा के रहूंगी। तुम राजा विक्रम प्रताप की पत्नी थी और मैं उनकी बेटी हूं। मैं उनकी बेटी हूं। रानी, Oh,
पिताजी, रानी को देखा आपने? रानी को? जी हाँ, कहीं दिखाई नहीं दे रही, न जाने कहाँ चली गई। तुम्हारे आंसू मेरा कलंक नहीं धो सकते, उसके लिए तुम्हें पत्थर दिल बनना होगा, अपने दिल से प्यार और ममता को मिटा देना की बरखा सिर्फ मुझ पे ही क्यों होती है? आज मैं दया की बरखा करने नहीं आया, आज तो मैं ये कहने आया हूं कि तुम मेरे साथ चलो, चलकर मेरा दुख बांटो। तुम्हें तो मालूम ही होगा पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। तुम्हारे तो सिर्फ पिता गए हैं, मेरी तो माँ भी नहीं और बाप भी नहीं रहे। मेरा दुख बांटने वाला कौन है इस दुनिया में? ऐसा ना कहरानी, मैं जो तुम तुम तो हो, लेकिन तुम भी क्या हो? मैं तुम्हारे भाई की तरह हूँ। ओ, 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 भाई की तरह? किस रिश्ते से, किस नाते से? एक रिश्ता धर्म का रिश्ता भी होता है रानी। धर्म कर्म तुम जानो बाबू साहब, मैं तो सिर्फ खून का रिश्ता जानती हूँ, सारी दुनिया वही रिश्ता मानती। बोलो, ऐसा है कोई रिश्ता तुम्हारा मेरा? बोलो, बोलो ना रानी। इस वक्त मुझसे कुछ मत पूछो, कुछ मत पूछो, सिर्फ मेरी बात मान लो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ, चलो मेरे साथ, चलो घर चले। रानी, यही तो एक मौका है अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का। तुम्हारी माँ का कलंक तभी धुलेगा जब राजा विक्रम प्रताप का बेटा अपने मुंह से कहेगा, रानी तुम मेरी बहन हो। रानी, तुम चुप क्यों हो? बोलती क्यों नहीं? कहोगे चलोगे मेरे साथ? अच्छा मैं चलती हूँ, लेकिन एक शर्त है मेरी। क्या? मैं तुम्हारे घर के कायदे कानून नहीं मानूंगी, मैं जो चाहूंगी वही करूंगी, मंजूर है? मंजूर है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, चलो। चलो बटलेरू नहीं, बटलर। समझे? ये क्या? चाय। इसे लाओ। तुम्हारे लिए नहीं, रानी साहबा के लिए। ठीक है, मैं ले जाती हूँ। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाय हाय, क्यों नहीं हो सकता? मैं अछूत हूँ क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं। इस घर का कानून है, जिसका ड्यूटी होता है उसको करना मांगता है। तुम चाय ऊपर ले जाएगा, हमारा नौकरी चला जाएगा। नौकरी चला जाएगा, जाने दो। हैं? हम सुरेंद्र बाबू से बोलकर तुमको इससे भी अच्छी नौकरी दिलाएंगे। मैं तुम्हारे लिए चाय लाई हूँ। तुम्हें कहा था ना नीचे ही रहना है, ऊपर क्यों आई?
मैं तुम्हारे दर्शन के लिए तरस रही थी माँ, नीचे तुम्हारा सुंदर सुंदर मुखड़ा नजर नहीं आता था माँ। खबरदार मुझे माँ कहा। माँ ना कहूँ? अच्छा माँ ना सही, लेकिन माँ की तरह तो होना, जैसा बेटा वैसी माँ। वो भी यही कहता है, तुम मेरी बहन नहीं बहन की तरह हो। निकल जाए यहाँ से। बटलर, बटलर हो, बटलर। ये रहा बटलर। सुरेंद्र, सुरेंद्र। उसको क्यों बुलाती हो, मैं चली जाती हूँ, लेकिन चाय जरूर पी लेना माँ। क्या मुसीबत आई है इस घर में। चाय पी लीजिए। नहीं पीटा। छोटे सरकार एक बात बोलूं? क्या बात है? जब से रानी इस घर में आई है, आप परेशान, माजी परेशान, सारा घर परेशान। क्यों नहीं इस रानी को घर से निकाल देते? बेटा, ट्रे उठाओ, गेट आउट। ये चाय, ये बटलर हूँ। 50 साल से बोल रहा हूँ मैं बटलर हूँ, बटलर हूँ नहीं। तुम जो भी हो, खाना लाओ, मुझे भूख लगी। अरे, अरे, तुम नीचे उतरो टेबल पे, नीचे उतरो। क्यों? मैं यहीं बैठूंगी और यहीं खाऊंगी। जाओ जाओ खाना लाओ, ये कोई खाने का वक्त नहीं है। इस घर में हर चीज कायदे से होती है। कमाल के कायदे ही थे इस घर के। घर न हुआ, रेल का स्टेशन हुआ। लेकिन माता जी, ये जो पेट है ना मेरा, वो कोई रेलगाड़ी नहीं, जो वक्त पे चलती है और वक्त पे रुकती है। मुझे तो अभी भूख लगी है और अभी खाना चाहिए। खाना इस वक्त नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अच्छा बाबू साहब, ओ बाबू साहब। माँ, माँ, रानी क्या हुआ? मैं पूछती हूँ, क्या मुझे भूखा वाले लाए हुए हैं? आखिर बात क्या है? मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, चूहे, मगर ये लोग खाना नहीं देते। खाना नहीं देते? बटला, रानी के लिए खाना लाओ, जल्दी लाओ। सुरेंद्र, ये तुम क्या कर रहे हो? एक रास्ता चलती लड़की के हाथ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, इस वक्त कुछ मत खाओ, बेचारी को भूख लगी है, खाने दो इसे। तुम तो बड़े अच्छे हो बाबू साहब, मेरी हर बात मान लेते हो। कितना अच्छा खाना है, तुम्हारे बाप ने भी खाया था कभी ऐसा? बाप ने तो जरूर खाया था, लेकिन माँ बेचारी को नसीब नहीं हुआ। तुम भी खाओ ना। बेशर्म रानी, ये क्या करती हो तुम? देखो जी, आंखें मत दिखाओ, घर में लाए हो तो हंस से मुस्कुराते हुए रहो। मैं इन टुकड़ों के लिए नहीं आई हूँ, तुम कहो तो मैं चली जाती हूँ। रानी, तुम्हें मेरी कसम, चलो खा लो खानी, खा लो। ये बात हुई ना, तुम खाओगे? क्यों आई हो यहाँ? तुम पिताजी की पूजा कर रही हो माँ? कौन माँ, कौन पिता? यही जो तस्वीर में है वो मेरे। बंद कर बकवास। लो, इसमें बकवास की क्या बात है? जब तुम्हारा बेटा मुझे अपनी बहन कहता है तो तुम मेरी माँ हुई और ये मेरे पिता हुए। हुए कि नहीं? चुप चुप। सुरेंद्र, 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 सुरेंद्र। क्या हुआ माँ, क्या हुआ? सुरेंद्र, कहाँ से उठा लाए इस फंदे को? जबरदस्ती रिश्ता जताकर गले पड़ रही है। मैंने कोई झूठा रिश्ता तो नहीं जताया? सुरेंद्र, ये कूड़ा जहाँ से उठा कर लाए हो जाकर वहीं फेंक दो। समझे बाबू साहब, माँ मुझे कूड़ा कह रही है, और क्या कहूँ? जाने कौन सा खून बह रहा है इसके रखो। देखो, आज कहा फिर कभी न कहना। रानी, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं गंदी बस्ती में पैदा जरूर हुई हूँ, लेकिन खून मेरा गंदा नहीं, मेरा खून उतना ही साफ है जितना तुम्हारे बेटे का है। रानी, देख लिया सुरेंद्र, आदमी कीचड़ से खेले तो क्या होता है? आज वो छींटे उड़ा इसने कि हमारे खानदान तक पहुंच गए। माँ, रानी को इतनी समझ कहा कि उसे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना लेकिन चाहिए। लेकिन ये है कौन? कौन है इसकी माँ, कौन है इसका बाप, तुम जानते हो? हाँ माँ, मैं जानता हूँ, लेकिन बता नहीं सकता। क्यों नहीं बता सकते? इसलिए कि मैंने मरने वाले को वचन दिया था, मैं रानी के पिता को दिए हुआ वचन तोड़ नहीं सकता। मैंने भी वचन दिया था तुम्हारे पिता को, इस खानदान का नाम शहर की गंदी नालियों में नहीं घसीटा जाएगा। तो माँ, फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? इस लड़की को घर से बाहर निकालो या मुझे मारना। बाबू साहब, राम राम।
जाती हूँ। रानी, रानी। सुरेंद्र। रानी, मेरी बातों सुनो रानी, मत जाओ। सुरेंद्र, जाने दो उसे। अब वो इस घर में नहीं रह सकती। माँ, अगर रानी इस घर में नहीं रह सकती, तो मैं भी यहाँ नहीं रहूँगा। सुरेंद्र, सुरेंद्र। चले जाओ, तुम भी चले जाओ। मैं समझूंगी मेरा दूसरा बेटा भी मर गया। बहुत देर हो गई बहन, अब उठो, कुछ खा लो, चलते। तुम्हारे इस व्रत से तुम्हारे पिता वापस आने वाले नहीं। जानती हूँ बहन, लेकिन क्या करूँ, मन नहीं मानता। शांति शांति। कोई है? कोई है? कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? मेरा नाम माला है। उन्होंने मेरे बारे में जरूर आपसे कहा होगा। किसने? सुरेंद्र ने? जी, आप उनकी माता जी है ना? हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? अरे, ये क्या कर रही हो? पांव छू रही हूँ आपके। क्यों? आपका मेरा रिश्ता ही ऐसा है। रिश्ता? कौन सा रिश्ता? बहू और सास का। लो और सुनो, अब बहू भी आ गई इस घर में। अभी एक बला से जान नहीं छूटी थी कि दूसरी आ गई। तुम भी बाजार में नाश्ती गाती हो या और कोई काम करती हो? माँ, खबरदार मुझे माँ कहा, मैं किसी की माँ नहीं हूँ। लेकिन वो कहाँ है? मुझे क्या मालूम वो कहाँ है। चली जाओ यहाँ से। देख क्या रही हूँ, सुना नहीं मैंने क्या कहा? चली जाओ, नहीं तो निकालना पड़ेगा। चली जाओ, जाओ। नमस्ते माला देवी। तुम? जी, आपकी सेवा के लिए खड़ा हूँ। अपना तो जिंदगी में एक ही काम है, भटके हुओं को रास्ता दिखाना। आप कहें तो आपको सुरेंद्र तक पहुँचा दूँ। तुम जानते हो वो कहाँ रहते हैं? जी यही नहीं, मैं तो ये भी जानता हूँ कि वो किसके साथ रहता है। क्या मतलब? गुस्सा करने की क्या जरूरत है, चलकर अपनी आंखों से देख लीजिए। हाथ कंगन को आरसी के आइए, 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 आइए। ये रहा उसका घर, जाइए लीजिए, जाइए, जाइए। शुक्रिया। कोई बात नहीं, आंखें खोल कर देख लेना। आपकी तारीफ? तुम्हें कोई सरोकार नहीं, मुझे घर के मालिक से मिलना है। हाँ, हाँ, हक। जरा ये तेवर तो देखो, घर के मालिक से मिलना है। समझी, तो तुम ही हो वो। वो कौन? वही जो कल तक बाजारों और गलियों में नाचती फिरती थी और आज घर में रानी बनी बैठी। ए, ए, जबान संभाल के बात करो। रानी होगी और कोई? मेरा तो सिर्फ नाम रानी है। लेकिन ये तो बताओ, तुम कौन हो? तुम्हारा उनसे क्या रिश्ता? मेरा रिश्ता? ओह, समझी समझी। लेकिन सुनो, उनका कोई रिश्ता सीधा नहीं होता। बहन बहन नहीं होती, बहन की तरह होती है। बीवी बीवी नहीं होती, बीवी की तरह होती है। तुम भी कुछ इसी तरह हो? चुप रहो। बाप रे बाप। बाबू साहब। ओ बाबू साहब, जरा आसमान से नीचे उतरो, कोई देवी जी आई है तुमसे मिलने। माला। अरे माला, तुम ये कैसे आई और ये सब? हैरानी हो रही है मुझे देखकर, लेकिन क्या करूं, तकदीर मुझे यहाँ खींच लाई है। अब मामला कुछ कुछ समझ में आता है। तुम इस घर की रानी बनना चाहती हो ना, मगर याद रखना, ये बाबू साहब तुम्हें रानी नहीं, रानी की तरह बनाए। रानी, तुम चुप रहो, चलो अंदर। माला, कैसी हो तुम? बाबा कैसे हैं? बाबा वो तो तुम्हारे कारनामे सुनकर परलोक से धार गए। माला, मुझे उन पापों की सजा ना दो जो मैंने नहीं किए हैं। तुमने क्या किया है और क्या नहीं, मैं नहीं जानती। मैं तो समझती कि तुम बदल गए हो,
अच्छे आदमी बन गए हो, इसीलिए जब लोगों ने तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें की तो मैंने यकीन नहीं किया, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि तुम पहले से भी ज्यादा गिर गए हो। ठहरो माला, ठहरो, मेरी बात सुनो माला। कुछ दिन पहले मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया और आखिरी समय मेरे पिताजी ने मुझसे एक वचन लिया था जिसको मैं आज तक निभा रहा हूं और जिंदगी भर निभाता रहूंगा। लोग मेरे बारे में क्या बातें करते हैं इसकी मुझे जरा भी परवाह नहीं, लेकिन लेकिन गम तो इस बात का है कि मेरे अपने ही मुझे गलत समझते हैं। लेकिन माला, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए इस तरह के विचार पैदा होंगे। क्या तुम मुझे इतना गिरा हुआ समझती हो कि जिस लड़की को मैंने अपनी जबान से बहन कहा उसके लिए मैं नहीं माना, नहीं माना, ऐसा सोचना मेरे लिए तो क्या तुम्हारे लिए भी पाप है। अगर अब भी तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं आता तो फिर मेरी मां की तरह तुम भी यह समझ लो कि मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। दीवान जी, जी श्राद्ध की सब तैयारियां हो गई? जी हाँ, सब कुछ तैयार है, लेकिन पुरोहित जी कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? पुरोहित जी कहते हैं कि श्राद्ध के लिए श्राद्धकर्ता का होना बहुत जरूरी है। क्या मतलब? मतलब ये कि पिता का श्राद्ध पुत्र के हाथों से ही होना चाहिए। जिनके पुत्र नहीं होते वो क्या करते हैं? जहाँ उपाय न हो वहाँ दूसरी बात है, किसी निकट के संबंधी से ही करा लेते हैं, मगर यहाँ तो ईश्वर की कृपा है। बड़े कुंवर साहब। नहीं पुरोहित जी, आप मान लीजिए मेरा भी कोई बेटा नहीं, मेरे दोनों बेटे मर चुके। राम 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 राम, ऐसे वचन मत कहिए माँ जी। शास्त्र कहता है अपुत्रस्य गतिर नास्ति, पुत्र के बिना गति नहीं। जब तक पुत्र दान न करे पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलती। हमें क्षमा करना, हम ये श्राद्ध कदापि नहीं कराएंगे। उठिए चलिए। जब तक पुत्र दान न करे पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलती। जब तक पुत्र दान न करे पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलती। जब तक पुत्र दान न करे पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलती। देताभ्यश्च पितृभ्यश्च मायोगिभ्योज स्वास्थ्य नित्यमेव नमो नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति न सारक्षो अधिष्ठनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पते ददातु। ओम अच्छा हो तुम आ गए, पिताजी की आत्मा को कितनी शांति मिलेगी। माँ जी, माँ जी बैठी, किस पे बैठी? बैठो माँ। श्राद्ध क्रिया समाप्त हुई, अब सिर्फ दान बाकी है। ये लो, ठहरे सुरेंद्र, ये दान अब नहीं हो सकता। क्यों माँ? ये सामग्री भ्रष्ट हो गई है इसके छूने से। मेरे छूने से भ्रष्ट हो गई है? मुझे क्या हुआ, फेंक दो बाहर। पिताजी की आत्मा फटकेगी तो पाप तुम्हें ही लगेगा। पिता पिता कह रही है बेशरम, तुम्हें मालूम भी है तेरा बाप कौन है? मुझे तो मालूम है, सिर्फ तुम्हें नहीं मालूम। सुन रहे हो सुरेंद्र, जाने कौन से पाप किए हैं मैंने जो मुझे ये सजा मिल रही है। ये मेरी ही भूल थी कि मैं यहाँ चली आई। माँ, 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 मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, इस तरह शुभ कार्य को छोड़ के ना जाओ। अब तुम्हारे लिए एक ही शुभ कार्य बचा है, जितनी जल्दी हो सके अपनी माँ को भी जिंदा जिंदा पे बिठा दो। माँ, ये क्या रानी, माँ जी का अपमान करके तुम्हें क्या मिला? क्यों इस तरह सुइयां चुभती रहती हो उनके दिल में? तुम कौन होती हो मुझे आंखें दिखाने वाली? अपमान मैंने किया था या उस औरत ने? देखो मैम साहब, मुझे किसी का हुक्म सुनने की आदत नहीं, समझी? इस तरह उल्टी सीधी बातें करोगी तो मैं एक पल भी नहीं रहूंगी इस घर में। तुम्हें किसने जबरदस्ती रोका है यहाँ? तुम्हारे उस लाठार ने। उसमें निकालने की हिम्मत है तो कहो उसे मुझे निकाल दे। जब मैं शर्म हया होती है उन्हें निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद समझ जाते हैं। क्या कहा? मैं बेशरम हूँ, मुझमें लाज नहीं है,
तुम समझती हो यही एक ठिकाने है मेरे लिए? लो संभालो अपनी घर की चाबी। रानी अब क्या हुआ? अपनी रानी से पूछो क्या हुआ। कहती है मैंने तुम्हारी माँ का अपमान किया, मैं बेशरम हूँ, तुम्हें सताती रहती हूँ, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। रानी तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी, समझी? माला तुम तो समझदार हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए आज कौन सा दिन है, कौन सा मौका है। आज पिताजी की बरसी है, कम से कम आज तो घर में शांति होनी चाहिए। जाओ जाके मना लो उसे। जाओ ये लीजिए, देर हो गई, माफी चाहता हूं। तुम मेरी ये भूल माफ नहीं कर सकते। माफी की कोई बात नहीं है माला, मैं खुद एक ऐसे रास्ते पर आ पहुंचा हूं जो मालूम नहीं कहां शुरू होता है कहां खत्म होता है। अगर बुरा ना मानो तो मैं एक रास्ता बता सकती हूँ। रानी की शादी क्यों नहीं कर देते? शादी? हाँ, लड़कियों को सिर्फ बंगले नहीं चाहिए, मोटरी नहीं चाहिए, साड़ियां नहीं चाहिए, उन्हें जरूरत होती है एक परिवार की, अच्छे घर की, अच्छे पति की। माला यू आर फैंटास्टिक, क्या कमाल का आइडिया निकाला तुमने। इतनी छोटी सी बात आज तक मेरी समझ में क्यों नहीं आई? मैं कल से ही तलाश करता हूँ रानी के लिए एक अच्छा सा बढ़िया सा दूल्हा। किसके दूल्हे की बात हो रही है? रानी हमने सोचा है कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। शादी? मेरी शादी? हाँ, तुम्हें कोई इतराज तो नहीं? देखो बाबू साहब, मैं कोई गाय नहीं जिसे तुम गले में रस्सी डाल के जिस खूटे से बांध दो बांध दो। मैं शादी करूंगी तो अपनी मर्जी से। हाँ हाँ रानी जरूर, हम तुम्हारी पसंद के लड़के से ही तुम्हारी शादी कराएंगे। तुम प्यार करती हो किसी से? ये प्यार यार तो तुम्हारी जैसे मेहनताबे डाली, मैं तो सिर्फ अपनी पसंद का दूल्हा ला के सामने खड़ा कर दूँ। सचमुच कोई लड़का है तुम्हारी नजर में? है नहीं तो हो जाएगा, मगर उस वक्त इनकार नहीं करना, बहाने मत बनाना कि हमारा खानदान ये है, उसका खानदान वो है, हमारा दर्जा ऊंचा है, उसका दर्जा नीचा है, वगैरह वगैरह। नहीं रानी बिल्कुल नहीं, तुम जिससे भी कहोगी उसी से तुम्हारी शादी करा दूँ। वादा? वादा। चलो अच्छा हुआ रानी मान गई, मुझे तो डर था कहीं इनकार ना कर दे। मैं तो पहले ही जानती थी कि मान जाएगी। बापू साहब, ओ बापू साहब। क्या बात है रानी? वो आ गया। वो कौन? अरे इतनी जल्दी भूल गई, वही जो मुझे पसंद है। अच्छा तो तुम अपने होने वाले पति को लाई हो अपने साथ? तो माला माला जरा बात तो आओ, सुना तुमने क्या? रानी अपने होने वाले पति को लाई अपने साथ। अच्छा रानी कहाँ है वो? स्वामीनाथ, स्वामीनाथ। कहिए सुरेंद्र बाबू कैसे? आप तो बड़े आदमी हैं, कर्ज देकर भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूला, आज चुकाने का दिन आ गया है। रानी यह है तुम्हारी पसंद? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा हाथ इस आदमी के हाथ में दे दूं? क्यों, क्या बुराई है इसमें? हाथ पांव का भी अच्छा है, शक्ल सूरत से भी बुरा नहीं। लेकिन रानी तुम इसके कर्म अच्छी तरह जानती हो, यही तो है वो जिसने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाला था। बाबू साहब यही सोचकर तो मैं इसे यहाँ लाई हूँ, एक बार जिसका हाथ शरीर को लगा बस लग गया, अब दूसरा कहाँ ढूंढने जाऊँ। बैठो स्वामीनाथ। रानी रानी ये तुम किस जाल में फंस रही हो? ये आदमी जहरीला नाग है, तुम्हारी जिंदगी में जहर घोल के रख देगा। अपने नसीब में अमृत भी कहाँ बाबू साहब, जहर सही मगर जाना पहचाना तो है। वाह 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 क्या बात, तुम भी मुझे अच्छी तरह जानती हो और तुम्हारे बाबू साहब भी। तुम चुप रहो। रानी रानी ये सब कुछ जानते हुए तुम्हें एक अंधे कुएं में कैसे धकेल दूं? मैंने तुम्हारी शादी का वचन इसलिए दिया था कि जिंदगी में तुम कहीं ठिकाने लग जाओ, तुम्हें बहन इसलिए नहीं बनाया था कि तुम्हारी नाव महिनार में लाकर छोड़ दूं। बाबू साहब मेरी सिद्ध अपनी सिद्ध है, पार लगूंगी तो इसके साथ, डूबूंगी तो इसके साथ। लेकिन तुम्हारी बर्बादी में मेरा हाथ क्यों? तो कहो तुम्हारा वचन एक थूक था जिसे तुम चाट गए। तुम्हें कैसे समझाऊं रानी, एक तरफ मेरा वचन है दूसरी तरफ तुम्हारी जिंदगी, तुम एक ऐसे आदमी का हाथ पकड़ना चाहती हो जो कभी शराबत की धूप में नहीं बैठा, हमेशा गुनाहों के साए में पला है, नेकी इज्जत और इंसानियत जिसे छू तक नहीं गई। रानी मैं तुम्हारे साथ यहाँ फूल माला पहनने आया था, गालियों का हार नहीं, तुम फौरन यहाँ से चले जाओ नहीं तो जूतों का हार पहना के भेजूंगा। ठीक है रानी, कल फिर उधार रहा है, जिंदगी बहुत है, चुका दूंगा सूद के साथ, मैं जाता हूँ। रानी तुम कहाँ जाती हो? तुम कौन रहते हो मुझे रोकने वाले? रानी मत जाओ, रानी कैसे जाने तू, रानी को होश नहीं, वो क्या कर रही है, वो रतन के बैगाने से बैठ गई है, उसे रोकना होगा। जब उसे खुद अपने बुरे भले का ख्याल नहीं तो फिर तुम क्यों इस पराई लड़की के लिए इतना परेशान हो? रानी पराई लड़की नहीं, वो मेरी अपनी बहन है, मेरी बहन है।
तुम्हारी अपनी बहन? माँ, आज वो दिन आ गया है जिसका तुम्हें इंतजार था, मुझे इंतजार था। आज सुरेंद्र जरूर आएगा और मेरी शादी रोकने की कोशिश करेगा। आज उसे कहना ही होगा माँ कि मैं राजा विक्रम प्रताप की बेटी हूँ और तुम उनकी पत्नी। तुम क्या करोगे वहां जाकर? रानी किसी की बात नहीं मानेगी। कैसे नहीं मानेगी, मैं अपनी जान तक दे दूंगा, लेकिन उस कमीने से रानी की शादी नहीं होने दूंगा। बाबूजी, शुभ घड़ी बीती जा रही है, कन्या को जल्दी बुलाइए। अरे भाई बुलाओ ना कन्या को जल्दी से, चलो और छनाई वाला दौड़ से बजाओ। आइए बैठिए। ओम पाया। इतनी दूर क्यों बैठी हो रानी, जरा नजदीक होकर बैठो। अब तो हम दो से एक होने वाले हैं। ये शादी कभी नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि मैं रतन को अच्छी तरह जानता हूँ। रतन जैसे लोग घर तबाह करना जानते हैं, घर बनाना नहीं जानते। रानी तुम अपने आप से पूछो, क्या रतन तुम्हें एक अच्छे पति का प्यार दे सकता है? रतन की बात छोड़ो, तुम मुझे क्या दे सकते हो बाबू साहब? समाज में मुझे कोई दर्जा दे सकते हो? वो खानदानी शान, वो आसमान जैसा ऊंचा नाम, बोलो दे सकते हो मुझे? तुम कुछ नहीं दे सकते, तुम सिर्फ एक काम कर सकते हो। तुम तोते की तरह रट सकते हो, रानी मेरी बहन की तरह है, बहन की तरह है। रानी मैं तुम्हें कैसे बताऊं मेरा तुम्हारा क्या रिश्ता है? अगर नहीं बता सकते तो मेरी शादी रोकने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं, चले जाओ यहाँ से। सुन लिया कुंवर साहब रानी क्या कह रही है? इसका सीधा साधा अंग्रेजी में मतलब है कि गेट आउट, तुम चुप रहो। मैं रानी को अपने साथ लेके जाऊंगा, चलो रानी। नहीं चलो नहीं। अगर दान दो मेरी दुल्हन को हाथ लगाया तो। मैंने चूड़ियां नहीं पहन रखी कि तुम मेरी दुल्हन को वेदी से ले जाओ और जाकर अपनी सौगात बनाओ। कमीने बदमाश कुत्ते। रानी रतन से शादी कर रही है और आपका बेटा कहता है मैं ये शादी होने नहीं दूंगा। रतन बहुत बुरा आदमी है माँ जी, वो अपनी जिद के लिए खून भी कर सकता है। आज अपना गुस्सा छोड़िए और चलिए मेरे साथ, आइए ना। खाक कर दूंगा, खाक लगा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। रतन की शादी कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। रतन मेरी शादी का हवन तुम्हारी जीता की आज बच जाए। बंद कर दो रतन, लेकिन ये शादी कभी नहीं होगी, 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 कभी नहीं होगी। शादी रोकना चाहते हैं। माँ रानी शादी नहीं कर रही, आत्महत्या कर रही है। ये कुछ भी करे तुम्हें क्या, रानी क्या लगती है तुम्हारी? हाँ बोलो, मैं क्या लगती हूँ तुम्हारी? ये क्या बोलेगा रानी, हजारों बार तुमने इससे ये सवाल किया लेकिन एक बार भी इसने इस बात का जवाब दिया है। रानी साहिबा, खानदानी शान और शौकत के सुनहरी पर्दों के पीछे जिस काले राज को राजा साहब ने उम्र भर छुपाए रखा, बेटा भी बड़ी वफादारी से उसी राज को निभा रहा है। क्या बक रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ रानी साहिबा, आप बेटे की माँ हैं, खानदान की बड़ी भी। आपको जरूर मालूम होगा कि रानी का क्या रिश्ता है आपके खानदान से, आपके बेटे से, आपके स्वर्गवासी पति से। खबरदार, जो उनका नाम भी अपनी जबान पर लाए तो। उनके नाम के चर्चे तो आज गली गली में हो रहे हैं रानी साहिबा। जिस राज ने आपके बेटे की जबान पर ताले लगा रखे हैं, आज वो राज मैं खोलता हूँ आपके सामने। सड़कों पर नाचने गाने वाली ये लड़की, जिसे कुंवर साहब अपनी बहन की तरह मानते हैं, दरअसल आपके स्वर्गवासी पति राजा विक्रम प्रताप की बेटी। नहीं ये झूठ है। ये सच है, और इस बदनसीब लड़की की माँ को आपके देवता स्वरूप पति ने अपने शौक के लिए पान की तरह चबाकर थूक दिया था। नहीं 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 नहीं
सच्चाई से सभी मुंह फेर लेते हैं रानी साहिबा, लेकिन रतन ऐसा नहीं, वो सच्चाई का सामना करता है। जिस लड़की को आपके पति ने, आपने और आपके लड़के ने दर दर की ठोकरें खिलवाई, सड़कों और गलियों पर नाचने पर मजबूर किया, आज उसी लड़की से मैं शादी कर उसे धर्म पत्नी का दर्जा दे रहा हूं। आओ रानी। रानी, 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 अगर तुम अपनी बर्बादी करना ही चाहती हो तो बेशक कर लो, लेकिन एक बात याद रखो, तुम इस कमीने से शादी करोगी तो मेरी लाश पर से गुजर गई। चलो रचाओ शादी, रचाओ। नहीं, नहीं, क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे, हट जाओ। रानी, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, इस अनर्थ को रोक लो। आखिर ये सब किस लिए? इस तरह अपनी और दूसरों की जिंदगी को नरक बनाकर तुम्हें क्या मिलेगा? रानी, बहनें तो अपने भाई की रक्षा के लिए व्रत रखती हैं, उसके सुख के लिए भगवान से वरदान मांगती हैं। क्या तुम इतनी पत्थर दिल हो कि आज अपनी रक्षा के लिए आए हुए भाई की बलि लोगे? जब खानदान की शान की दहलीज पर मेरी माँ की बलि चढ़ाई गई थी, तब किसके मन में तीस उठी थी, किसके आंखों से आंसू गिरा था? तुम बहन के व्रत और वरदान की बातें करती हो, मैं तुमसे पूछती हूँ, वो भाई भी कैसा भाई है जो अपनी जान देने के लिए तैयार है लेकिन बहन को बहन कहने के लिए नहीं तैयार? तुम्हें नहीं मालूम रानी, ये बंधे हुए हैं अपने पिता को दिए हुए वचन से। राजा साहब जब तक जिंदा रहे अपने राज की अंधी कोठरी में कैद रहे, और जाते जाते अपने बेटे को वादों की खौफनाक जंजीरों में जकड़ गए। ये राज हमेशा राज ही रहे। मैंने जो कुछ सुना वो सच है। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ सुरेंद्र। खाओ मेरी सौगंध और कहो ये सब झूठ है, गलत है। बोलो सुरेंद्र, सुरेंद्र बोलो, बोलो सुरेंद्र। नहीं मान, नहीं, ये झूठ नहीं है, ये सच है, वो ये सच है, ये सच है। रानी, तुम्हारी माँ के साथ बड़ा अन्याय हुआ है, तुम्हारे साथ भी हुआ है। तुम अपने घर आई, मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। इतने बड़े बाप की बेटी होकर पेट भरने के लिए सड़कों पर नाचना पड़ा तुम्हें, लेकिन लेकिन अब तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो तुम्हारा हक है, धन दौलत इज्जत सभी कुछ। मैं तुम्हारे सौगंध की लाज बिंधाऊंगी, मैं सारी दुनिया से कह दूंगी रानी राजा विक्रम प्रताप की बेटी है, मेरी बेटी है। मेरी माँ को क्षमा नहीं करोगे? माँ, माँ, बेटी, 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 अपने घर चलो। नहीं नहीं, आपने मुझे बेटी कहकर पुकारा, बस मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। मुझे ना आपके घर के सुख चाहिए, न दौलत, न नाम चाहिए, न इज्जत। आज मैंने सब कुछ पा लिया। रानी बहन, कहाँ जा रही हो तुम? वही, जहाँ मैं पैदा हुई हूँ, जहाँ मैं पली हूँ, गंदी गलियों की गर्द। ऐसा ना कहो रानी बहन, ऐसा ना कहो। तुमने जितने दुख उठाए हैं उनकी सजा अपने भाई को दे दो, लेकिन इस माँ की ममता को मत ठुकराओ, जिसने अपनी महानता दिखाकर हम सबको माफ कर दिया है, हम सबको अपना लिया है। रानी बहन, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, हमें छोड़ के मत जाना। रानी बहन, भैया, रानी बहन, भैया, रानी बहन, भैया। चलो ये भी अच्छा हुआ, अब तो मैं भी राजा साहब का रिश्तेदार बन गया, दामाद का दामाद और बेटे का बेटा। चलो रानी, चलकर शादी की रस्म पूरी कर ले। चलो चल, हट, बड़ा आया शादी करने वाला। क्या मतलब? मतलब ये कि ये शादी तो एक बहाना था अपनी सिद्ध पूरी करने का। चलो भैया, माँ, भाभी। माँ, भाभी, भाई बहन।